लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम दो हफ्ते से ज्यादा बाहर रहे, हमारा ख्याल था कि गुलाब खिल चुके होंगे। मालकन, हो सकता है गुलाब के फूल आपका इंतजार कर रहे हों। अब आप आ गई हैं, फूल भी खिल जाएंगे। किशनदास जी मालकन, तुम जवानी में अंग्रेजों के यहाँ मुलाजिम थे जी, खुशामद की आदत नहीं गई। जाओ नेकीराम जी। क्या रतन को हमारे आने की इतला नहीं हुई? मालकन, आपके चले जाने के बाद रतन बाबू की हालत ज्यादा खराब हो गई, अंदर ही लेटे रहते हैं। ए, जल्दी संभाल लो, जल्दी आओ। ये तो माँ के कदमों की आवाज है। मालकिन,
हमारे बच्चे। कैसा है तू? अच्छा हूँ माँ। कहो, तुम्हारे बंबई का सफर कैसा रहा? सफर को छोड़, तू अपनी सुना। नए इलाज से भी कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा? हाँ हाँ माँ, फायदा है। नर्स दिन में 3 बार इंजेक्शन दे जाती है और डॉक्टर भी सुबह शाम आता है। रतन, मैं तुझसे कह कर गई थी कि सुबह शाम सैर जरूर करना। माँ, सैर के लिए जाता हूँ, कुत्ते को भी साथ लेके जाता हूँ, लेकिन कुत्ता मुझसे ज्यादा तेज भागता है। बेटे, बच्चे लड़कपन में माँ बाप से झूठ बोलते हैं मगर बड़े होकर नहीं। मैंने तो सुना है कि तुम अंदर ही लेटे रहते हो। पंछी खुली हवा में भी जी लेते हैं और पिंजरे में भी। बेटे, तो क्यों ऐसी बातें करके मेरे दिल में सुइयां चुभ रहा है? मैं तो इसलिए तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती कि कोई दुश्मन तेरे पीछे न पड़ जाए। जब से तेरे पिता की हत्या हुई है, मुझे रस्सी भी सांप नजर आती है। नर्स। यस मैडम। नर्स, मैं बॉम्बे से एक नया टॉनिक लेकर आई हूँ। तुम हर रोज नाश्ते के बाद रतन को एक खुराक पिला देना। जी हाँ मैडम। अच्छा बेटे, तो मैं चलती हूँ, जरा दफ्तर का काम देखभाल लो, फाइलों के अंबार लग गए होंगे। मैडम, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए और काम कीजिए। वकील साहब को अंदर भेज दो। नेकीराम, टीस्टेट की फाइल। गुड। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बी सीटेड। थैंक यू मैडम। आप कागजात लाए? जी बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ आपके दस्तखत की जरूरत। मिस्टर कपूर, आपने एलएलबी की डिग्री कानून पढ़कर ली थी या खरीदी थी? जी जी, इस केस में सबसे ज्यादा जरूरी रामनाथ का बयान है। जी, क्या एफिडेविट नहीं? मिस्टर कपूर, ये कागजात आपने नहीं, आपके असिस्टेंट ने तैयार किए हैं। सॉरी मैडम, मैं जरा मसरूफ था। तो इस केस की फीस भी आपके असिस्टेंट को दी जाएगी। मिस्टर कपूर, मुझे अफसोस है कि आपका काम तसल्ली बख्श नहीं है, मैं किसी दूसरे एडवोकेट का इंतजाम कर लूंगी। आप जा सकते हैं। देखिए मैडम, देख तो रही हूँ, ग्रॉस केयरलेसनेस। देखिए राम, कपूर साहब का चेक इनके दफ्तर में पहुंचा दिया जाए। प्लीज मैडम। टाइपिस्ट। यस मैडम। अनस्क्रूपलस, क्या स्पेलिंग होते हैं? UNSCREWPLUS। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉलेज छोड़े हुए कितना अर्सा हो गया आपको? यही कोई 5-6 बरस। नेकीराम, इनको दोबारा कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया जाए। UNSCREWPLUS, अनस्क्रूपलस, अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी मैडम। जाइए, दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। यस मैडम। रतन बाबू नमस्ते। वो आप? आइए आइए गणेश जी, अपने गांव से कब लौटे? बस आ ही रहा हूँ, आपके लिए एक समाचार लाया हूँ। समाचार? मुझे कौन समाचार भेजेगा? रतन बाबू, वापसी के वक्त गांव में बस के अड्डे पर तुम्हारी पत्नी से भेंट हुई। जानकी मिली थी, क्या हाल है उसका? बेहाल लोगों का हाल क्या पूछना, जितनी बार मैंने जबान से तुम्हारा नाम लिया उतनी बार उसके आंसू तप तप जलती जमीन पर गिरते रहे। तुम्हारा बेटा राजेश न होता तो शायद वो गश खाकर गिर पड़ती। राजेश? गणेश जी, राजेश भी वहां था? कैसा लगता है मेरा बेटा? खूबसूरती और तंदुरुस्ती की तस्वीर,
आपने पूछा वो क्या काम काज करता है? पूछा पूछा? किसी कंपनी में ट्रक ड्राइवर। बाप करोड़पति और बेटा ड्राइवर। रतन बाबू बड़ा गरम खून है उसका, मुझ पे बरस पड़ा कि उसकी माँ के सामने मैंने तुम्हारा नाम भी क्यों ले लिया। मेरा सिर्फ इतना दोष है कि मैं एक करोड़पति के घर पैदा हुआ, जीवन किस चीज का नाम है मैं नहीं जान सका। जो माँ कहती रही मैं वही करता रहा। काश मैं अपने बीवी बच्चे को छोड़ते वक्त अपनी माँ से बगावत कर जाता और उनके साथ चला जाता तो चाहे मुझे कितनी तकलीफें क्यों ना उठानी पड़ती, मगर मैं अपने बीवी बच्चे के साथ रहकर उनको सहारा तो दे सकता था। लेकिन गणेश जी, अब तो मैं खुद मौत का इंतजार कर रहा हूं। रतन बाबू, तुम्हारी बीमारी शरीर की बीमारी नहीं, तुम्हें तो कायरता का रोग है। बुजदिली का इलाज इंजेक्शनों और गोलियों से नहीं होता। अगर तुम मर्द हो तो औरतों की तरह मुंह क्यों बिछोड़ते हो? चलो अब चलकर अपनी पत्नी का हाथ थाम। गणेश जी, आपको राजमाता जी बुला रही है। कौन? मैडम, चलिए आता हूं। साथ में लाने को कहा है, चलिए चलिए। आइए आइए गणेश जी। नमस्ते। कहिए, छुट्टियां खत्म हो गई? जी। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए ना। और कहिए, गांव में खेती बाड़ी गाय भैंस तो सब ठीक है ना? जी हाँ, आपकी दया से। इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई होगी। भगवान की दया से। गणेश जी, आप हमारे सबसे ज्यादा पुराने मुलाजिम हैं। कितने बरस हो गए होंगे आपको? 25 बरस तो जरूर हो गए होंगे। जरूर हुए होंगे मैडम, इतने बरस की मुलाजिमत कोई मजाक तो नहीं। 25 बरस में गणेश जी की ना प्रमोशन हुई ना डिमोशन, ना आपने इन्हें निकाला और ना ये खुद गए, मैं तो जाने वाला हूं ही नहीं। नेकीराम जी, मालिक और नौकर का रिश्ता होना भी ऐसा ही चाहिए। और फिर मालकिन ने तो मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं इस घर का नौकर हूं। गणेश जी, हमारे पास एक ही तो विद्वान आदमी है और वो आप है। आपने धर्म की कौन सी पुस्तक अच्छी तरह पढ़ी है? जी, मैं रामायण का उपासक हूँ। रामायण ऐसा धर्म ग्रंथ सिर्फ हिंदुस्तान ही में लिखा जा सकता है। मैं जब जब रामायण पढ़ता हूँ मुझे नए नाविल से भी ज्यादा दिलचस्प मालूम होती है। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए रामचंद्र जी का बनवास जाना, रास्ते में रुककर मथुरा जी में कंस को कत्ल करना, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देना, बगैर पासपोर्ट के लंका पे हमला करना। अपनी रामायण बंद रखो। हाँ गणेश जी, आज से आपकी तनख्वाह 100 रुपया महीना बढ़ाई जाती है। मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? दो वक्त इज्जत की रोटी तो मुझे आप बरसों से दे रही है। गणेश जी, पहले आप सिर्फ मेरा काम करते थे, लेकिन अब आपका काम भी तो बढ़ गया है ना? नहीं तो। नहीं क्यों नहीं, अब आपके जिम्मे मेरे बेटे रतन को मर्द बनाने की जिम्मेदारी भी तो है। उसका रोग उसकी कायरता है, बुजदिली का इलाज गोलियों और इंजेक्शनों से नहीं हो सकता। नेकीराम, गणेश जी को रिटायर कर दिया जाए, उनकी पेंशन लगा दी जाए। जी। आप जा सकते हैं। गणेश जी मुबारक हो, चलो झंझट से छूटे, भगवान मेरी पेंशन भी ऐसे ही लगवा दे। नेकी राम जी, सच्चाई बड़ी कड़वी होती। क्या बात है बेटे, खाते क्यों नहीं? कुछ नहीं माँ, खा रहा हूं। बेटे, मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि तुम घर की बात नौकरों से मत किया करो। मैं कहां किसी से कुछ कहता हूं माँ। तो फिर गणेश जी से क्या किस्सा छेड़ रखा था? माँ, वो जानकी की बात कह रहे थे, उसका हाल सुन रहा था। जानकी? रतन, जिस नाम को मेरे कान सुनने के लिए तैयार नहीं, वो नाम इस घर में क्यों लिया जाए? माँ, मैं तो गणेश जी से ये पूछ रहा था कि राजेश आजकल कर क्या रहा है। राजेश का पूछना था तो मुझसे पूछा होता, मोटर ड्राइवरी कर रहा है और क्या। माँ, तुम्हारा पोता और ड्राइवरी करे क्या तुम्हें शोभा देती है?
शोभा का क्या सवाल है? राजेश का हाल सुन सुनकर मेरा दिल जलता है। रतन, इस घर के दरवाजे राजेश के लिए हमेशा के लिए खुले हैं। बचपन में मैंने उसे अच्छे से अच्छे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराया, मगर वो वहां से भी भाग निकला। और अब तो 10-12 बरस से मैं उसकी सूरत को भी तरस गई हूँ। क्या मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता मेरी आंखों के सामने मेरे दिल की ठंडक बनकर रहे? मगर उसे तो मेरे नाम से भी नफरत है। अगर वो यहां होता तो दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में डाल देती। क्या जरूरत थी उसे सड़कों पर धूल उड़ाने की? अरे कुड़ी, क्या रे राजी, हो गई ना फुटफुट? अरे कुड़ी, शायद मेरा ट्रक तेरे पर दिल दे बैठा है। देखो ना, जब भी तेरे दुकान के सामने आता है इसकी छुट्टी हो जाती। अरे ओए राजी, छोड़ छोड़ तरक की बात, छोड़ अपनी बात कर। अरे मुझे तो राम करने वाली अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुई। की मतलब तेरा? ओ मतलब समझा मुंडो। ओए खुश की है, अपने शहजादे को जीतने वाली कुड़ी तो पैदा ही नहीं हुई थी। किसको कहेगा? ए राजी, ये रोज रोज का करना छोड़ दे। हाँ क्यों 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 क्यों? उस सियाना कौवा है ना, हमेशा कूड़े पे जाके गिरता है। जैसे कि मैं तेरे पे गिरा हूँ। अच्छा, तुम्हें कूड़ा हूँ, तू नीचे उतर तो जा। क्यों क्यों क्यों? तू नीचे उतर के देख, मैं बताती हूँ। मैं तेरे कूड़े पे बात करने भाई। थोड़ा पी ले, पी ले ना। मैं प्यास नहीं है। अरे पी ले ना। अरे बोला ना प्यास नहीं है। जबान सूख रही होगी, पी ले। नहीं प्यास। अरे पी ले ना। तू कहती है तो पी लेता हूँ। ये कुड़ी है कि ट्रक का रेडिएटर। चंदा, वाह 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 वाह, आत्मा प्रसन्न होगी। भगवान करे तुझे एक लंबा चौड़ा खूबसूरत सा पतिदेव मिले, तो कम से कम तेरी दुकान पे बैठ के तेरे साथ सोडा वाटर तो बेचे। वाह रे वाह, मेरी शादी की तुझे इतनी चिंता है, तो पकड़ लेना हाथ। तू हमें नहीं जानती चंदा, एक बार हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी भर छुड़ाए ना छुड़े। हाँ। जा रे जा, बहुत देखे तुझे। अच्छा? चलाता है ट्रक और बात करता है देखो शहजादों की तरह। चल अपनी ट्रक मरम्मत कर। हाँ, रास्ता रोक रखा है। अरे तेरा दिल तो नहीं रोक रखा है चंदा? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने क्या कहा? मुझे मालूम है क्या कहा। तुझे मालूम है मैंने क्या कहा? सर मुए। अरे मर जा मैं। ए नंदू, अरे ये लड़की तो गाली देती, बड़ी खूबसूरत लगती है यार। ओ शहजादे, पहले तो अपनी ट्रक नु देख, इश्क के धंधे में सारा दिन खोटा हो जाएगा। अरे हां ओ चल, आ गया फिर से, क्या चाहिए बोल। चंदा, चमेली का तेल है। अरे पहले सर पे बाल तो उगा क्या, चमेली का तेल क्या मुछो पे लगाएगा? अपनी भैंस गाय की मालिश करूंगा, तुझे इससे क्या, सीधे मुंह बात ही नहीं कर। अरे यार, जिसकी जवानी उसका जमाना। क्यों नहीं, ये जवानी भी अपनी और ये जमाना भी अपना, किसी से किराए पे नहीं लेके रखा। हाँ बोल, तुझे क्या चाहिए? हम तो अपनी प्यास बुझाने आए हैं। तो बोल ना, तुझे सरसों का तेल चाहिए या मिट्टी का? दीदार का शरबत पिला दे चंदा। ऐले शरबत तो मुझसे ले जा, और दीदार जाके करियो अपनी अम्मा की। जा। तुझे क्या चाहिए रे काके? दीदी एक पैसे का चना देना। चना? अच्छा ठहर जा, ले चना और गुड़ ले जाके खा जा। दीदी पैसा? पैसा तो अपने पास रख ले और गुड़ भी उठाना जा। अच्छा। अरे ओ राजी। हाँ। सड़क के नीचे क्या आंख लग गई है? नहीं नहीं चंदा, हमारे फ्रंटियर मेल की फैन बेल्ट टूट गई है। अच्छा हुआ। शहजादे फैन बेल्ट मेरे को ले, ए देख। शेख चिल्ली की औलाद, तेरी इस पेंट की बेल्ट से ट्रक चलेगी? शहजादे इमरजेंसी में तो सब चलता है। अच्छा। मैं जरा ऑटो से फैन बेल्ट लेके आया, जरा ट्रक का ध्यान रखियो। अब क्या है? यो, मेरे बगैर तेरा दिल नहीं लगता है क्या? अरे नहीं रे, मेरी दुकान बंद करनी है। अच्छा नंदो, रे नंदो। आहो आहो। अबे आहो का पुत्र कहाँ मर गया था? बेल्ट फैन, फैन बेल्ट, फैन बेल्ट। और चंदा की दुकान पे जो ट्रक खड़ी है, किसी ने कोई चीज मार ली तो? मारेगा कैसे शहजादे, और फिर चंदा जो खड़ी है पैरे पे पहलवानों की तरह। पहलवानों की तरह, मैं जा रहा थोड़ी देर में, आ जाइए। काम करो। ए चंदा, ला निकाल मेरा राशन पानी। छी छी मामा, तुम आज फिर शराब पी के आए हो? अरे भांजी कमाए तो मामा क्यों नहीं खाए, जरूर खाएगा, ला निकाल। आज मैं नहीं दूंगी। देगी कैसे नहीं, तेरा तो बाप भी देगा। शर्म करो मामा, शर्म करो,
दिन रात मेहनत करके चार पैसा कमाती हूँ और तुम जाके गंदी नाली में बहा के आते हो। आज मैं नहीं दूंगी तुमको। तू देगी कि नहीं देगी? बोल। ये लो, ये लो, ये लो, आज जाके खून पियो मेरा, जाओ। वाह वाह वाह, आज तो दो बोतल का इंतजाम हो गया। अबे छोकरी की कमाई खाता शर्म नहीं आती? ड्राइवर के बच्चे। क्या कहा मुझे? ड्राइवर का बच्चा कहता कमीना कहीं का, छोड़ दे मुझे, इसका मैं खून पी जाऊंगा। आराम से इसे एक पैसा भी दिया ना तो खबरदार है। अरे तुम पैसे बात कर रहे हैं, इसका बच्चा तो मेरे नूर बहुत ही नूर के कहा जाए ना। ठीकरे को मुंह क्यों लगाती? अबे मुझे ठीकरा कहता है? अरे जाबे तल्ले साले, लात मारूंगा जाके गिरेगा भाखड़ा नंगल में। हाँ अबे अपने अड्डे पर अकड़ रहा है। इस दिन मेरे मोहल्ले में आ, बेटा हड्डी पसी तोड़ कर पार्सल कर दूंगा, समझा? अरे जा जा, आईना दिखाई दे तो ट्रक के नीचे दे दूंगा। जा 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 जा। ए चंदा, तूने क्या रोग पाल रखा? देखना सारा दिन जान मार मार कर चार पैसे इकट्ठे करती हूँ और ये मामा है ना, शराब के नशे में सब पैसे तुम्हारे। ए चंदा चंदा, देख देख, अरे अब ये रोना धोना बंद कर भाई, आपने तो तेरे आंसू नहीं देखे जाते। अब तो जिस हाल में वो रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए। सारा दिन रहो और उसके बाद भी घुस रहो, क्या जिंदगी है? अपने से बड़ों को नहीं देखते, अपने से छोटों को देखते हैं। चल चल मेरे साथ चल। कहाँ चलूं? मैं तुझे ड्राइव के लिए ले जाऊंगा। क्या करेगा? हाँ ड्राइव ड्राइव ड्राइव, समझती नहीं? पक्की शहर। हाँ वहाँ सुबह ले जाऊंगा, तू भी क्या याद करेगी। चल आज तेरे मन में मेरे लिए इतनी दया कैसे आ गई? चल चल नखरे मत कर। चल ए, तेरे यात्रु है ना, अब उन्हें पहुंच डाल और ये किटकिट बंद कर और मुस्कुरा। हम तेरे ये मोती जैसे दान देखना चाहते हैं। मुस्कुरा। ए, ए कुड़िये, तेरे अत्रु चुल्लवा मैं, तेरे होठानू हासे जवा मैं, छोड़ दे जवानी में उदासी गोरिये, अरे छोड़ दे जवानी में उदासी गोरिये, तेरे अत्रू चुल्लवा मैं, तेरे होठानू हासे जवा मैं, छोड़ दे जवानी में उदासी गोरिये, अरे छोड़ दे जवानी में उदासी गोरिये। तू है बहती नदियां, काम है तेरा बहना, सदा ही चलते रहना, किसी से कुछ ना कहना। ओए हरे भरे खेतों की रानी, तू है बहती नदियां, काम है तेरा बहना, सदा ही चलते रहना, किसी से कुछ ना कहना। ओए हरे भरे खेतों की रानी, तू तो बैठी रही प्यासी की प्यासी गोरिये, तेरे अथरू चुल्लवा मैं, तेरे होठानू हासे दवा मैं, अरे छोड़ दे जवानी में उदासी गोरिये, आ छोड़ दे जवानी में उदासी गोरिये। Thank you.
अकेली, नहीं कोई तेरा बेली, न कोई साथी तेरा, न तेरी कोई सहेली। दिन वो भी है आने वाला, ये माना तू अकेली, नहीं कोई तेरा बेली, न कोई साथी तेरा, न तेरी कोई सहेली। दिन वो भी है आने वाला, मेरे जैसे मिल जाएंगे चौरासी गोरिये, हो तेरे अथरू चुन लवा मैं, हो तेरे होठानू हासे दवा मैं, छोड़ दे जवानी में उदासी गोरिये, अरे छोड़ दे जवानी में उदासी गोरिये। अरे कितनी बार कहा है कि कान पर जाते वक्त ठोका नहीं करते? ठोक नहीं रहा भाई, बिपिन सिंह के हाथ चाची ने चिट्ठी भेजी है। हाँ, बहुत परेशान है। क्यों, इतने रोज से घर क्यों नहीं गया? जैसे मतलब चिट्ठी पढ़ा। शुक्र है मेरी जान में जान आई, दो दिन से तेरे राह देख रही थी। अब आया, अब आया, बोल। पिछली बार मारा था, तीन दिन तक याद आती रही तुम्हारा। माँ माँ, काम काज में था, काम काज में था, और काम काज में फंसा था। बहुत बड़ा साहब है। हाँ, तो माँ लगते नीचे रख दे, नीचे रख दे। ये हुई ना बात। अरे हम कोई बड़े साहब से कुछ कम थोड़ी है, लोगों के पास छोटी छोटी गाड़ियां है, तुम्हारे पास तीन मिला के एक बड़ा ट्रक है। अरे उनका धंधा एक जगह होता है, मेरा आज पंजाब, कल हरियाणा, परसों हिमाचल प्रदेश। जुबान को ब्रेक लगा। ये हुई ना बात। आखिर ट्रक ड्राइवर की माँ कोई अरे गहरे की थोड़ी है। हाँ तो इसी बात में हो जाए, फिर खाना पेट में बहुत भूख लगी। भूख लगी है, चल बेटा अंदर चल। हाँ चलो चलो, चूहे कूद रहे हैं। अरे खाली नीचे रख, ले बेटा खा लो। अब बोल, दो दिन से कहा था घर पे क्यों नहीं आया? माँ आज दोपहर को आ ही रहा था कि फ्राई आग में हाथ डालना पड़ा। ना जाने दूसरों के बखेड़ में पड़ने की तेरी आदत कब जाएगी। माँ छोटी सी जिंदगी है, अगर एक आदमी दूसरे आदमी के काम नहीं आएगा तो फिर आदमी नहीं ट्रक का चक्का खिलाएगा। अरे माँ तू सारे घर की किटकिट अपने सर पे क्यों ले लेती है? हा? अगर लकड़ी चाहिए किसी को चार पैसे दो, लकड़ी ले आएगा। बाप तो यूं करता है जैसे माँ के लिए तूने डाकखाने में हिसाब खोल रखा हो। एक नौकर लकड़ी फाड़ने के लिए, दूसरा चूल्हा चौका बनाने के लिए, तीसरा पानी भरने के लिए, और चौथा बाजार से सौदा सुलभ लाने के लिए। माँ पिछले महीने मैंने तुझे 60 रुपए नहीं दिए थे। अरे हाँ बेटे, वो तो मैं भूल ही गई। आईना मत भूलना। वो 60 रुपए में से मैंने एक बंगला खरीदा, 20 बीघे जमीन खरीदी और बैलों की जोड़ी का सौदा किया। हाँ बेटे, अभी कुछ रुपए उसमें बचे हैं। तू सियाना बेटा है। माँ आटे वाले हाथ मत लगा, जरा सोच के बता। हाँ? बाकी के रुपए कौन से धंधे में लगाए? ए माँ क्यों गरीब बेटे को ताने मारती हूँ? अगर गलती से मैं भी कल को लखपति हो गया तो? लखपति क्या बेटे, तू तो जन्म से है करोड़पति। तेरे पिता करोड़पति, तेरी दादी करोड़पति। माँ मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी दौलत मेरी माँ है। अरे रूखी सूखी खाते हैं खून पसीने की, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, भीख नहीं मांगते। भीख मांगे तेरे दुश्मन, अगर मेरे दुर्भाग्य मेरे साथ ना होते तो तू आज महलों में होता, अपने पिता की आंखों की ठंडक होता, अपनी दादी के दिल का चैन होता। ना मेरी कोई दादी है, ना मेरा कोई पिता है। ना बेटे ऐसा मत बोल, भगवान मेरी भी उम्र लगाते तेरे पिता को। मुबारक हो। देख माँ, जिस चीज से बंधन टूट गया सो टूट गया। मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि मुझे अपने पिता का प्यार नहीं मिला, और तुझे भी इस बात का गम नहीं होना चाहिए कि तेरे पति ने अपने अमीर माँ के कहने से तुझे त्याग दिया। नहीं बेटे, तेरी दादी को नफरत मुझसे है, तुझ पे वो जान छिड़कती है। देख माँ बात सीधी सी है, जो मेरी माँ का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। अगर वो आग है तो मैं पेट्रोल हूँ। माँ हीरे जैसी चंदा दे रहा, और तू मुझे टिका रहा है 1,000 में से भी 25 रुपए 90 पैसे कम। क्यों अपना राशन पानी तोड़ रहा है? ला निकाल बाकी का ला। अरे बड़ा लालची है मामा, एक तो तेरे पन तो तुझ पर पहले ही बेटा है, कुछ ऐसी बात करके हमारी तुम्हारी सगा की जमी है, है? ये सारा ठेका तुम्हारा, ये शराब की बोतल तुम्हारी, ले पका बकरी बकरी। मगर आज सुनो, सुबह सुबह हमारे चंदा के साथ शादी हो जानी चाहिए। अरे चुन्नी बेटे,
मैं तो सारा इंतजाम करके आ गया हूँ मेरे जवाई राजा। जीते रहो बेटे जीते रहो, कल तुम्हारा सारा जश्न हो जाएगा, घबराओ नहीं। चंदा की शादी सारा इंतजाम कर लिया मामा। ए चंदा मामा मुझे जान से मार डालो लेकिन इस नरक में मत धकेलो मामा। मैं शादी नहीं करूंगी। मामा की बच्ची बैठती नहीं बैठती, नहीं तो टांगे काट कर रखूंगा। पंडित जी शुरू करो, आप फिर जरूरत नहीं, दो चार में काम चलेगा, जल्दी करो शुरू कर। चुप, अरे चुप कर दिया कि दूर थप्पा। मार डालो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ ना, मैं तुम पे बोझ नहीं बनूंगी, कहीं भी चले जाऊंगी मामा, कहीं भी चले जा। तू कहीं नहीं जाएगी चंदा। चंदा उठ। अबे तू कौन होता है, मैं ले जाऊंगा इसे ब्याह करके। अरे ठीक से तो बोल बुड्ढे, ये उम्र है तेरी ब्याह करने की? इस उम्र में तो अपनी पोतियों को विदा किया होता, खबरदार कोई भी आगे आया तो। अबे सूअर के बच्चे, तुझे यहाँ किसने बुलाया था? मंगलू पकड़ो पहले। तशरीफ रखिए दुल्हन जी, फरमाइए कहाँ जाइएगा? मैं नहीं जानती। नहीं जानती, लेकिन इतना तो जानती हो कि इस दुनिया में एक मामा के अलावा और कोई दोस्त रिश्तेदार सहेलियां कोई ना कोई तो होगा जहां मैं तुम्हें ले जाऊं और पटक दूं। इस दुनिया में बस मेरा शरीर और मेरी आत्मा ही मेरे अपने हैं और कोई नहीं। देखो जी, हम ठहरे जाट, दिल के बिल्कुल साफ, ये बड़ी बड़ी बातें अपनी समझ में नहीं आती, साफ साफ बात करो, अकेली हो या और भी कोई है? कौन है? मेरी गरीबी, मेरे आंसू। वाह वाह राजी, मैं जहाँ भी जाऊंगी ठोकरे ही ठोकरे होंगी। अच्छा
ये दुनिया मेरे लिए एक पराया देश है। क्या 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 है? ये दुनिया मेरे लिए एक पराया देश है। चलो इसी पराये देश को अपना देश बना देते हैं। तुम भी क्या याद करोगे एक रही से पाला पड़ा था। चलो इसी बात पर हंसते। ए हजम हजम बादशाह हंस दो ना। चल 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 आ जा जा। ये किसका घर है? अपना ही घर समझो। यहाँ तो ताला पड़ा है। हाँ चाबी चाबी लगा देते। अरे घबराओ मत, तो चोर चक्का नहीं हूँ, मैं उसे नया ताला लगवा दूंगा। ये मेरे दोस्त राम सिंह का घर। चल चल चल। देख चंदा कितना साफ सुथरा घर है। ये बैठने का कमरा है, वो सोने का, और ये कुछ खाना। अगर मुंह धोना तो धो ले, अगर भूख लगी तो मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। भूख कहाँ से लगेगी, अपनी शादी से तो खा पी कर आ रही हूँ। हाँ मार खा के आ रही है ना राजी। क्या मुझे यहीं रहना पड़ेगा? हाँ, क्यों इससे बड़ा कमरा चाहिए? नहीं नहीं वो बात नहीं। कहीं तुम्हारा दोस्त आ गया, पूछा मैं कौन हूँ, कौन मुझे यहाँ ले आया, और वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध है। हाँ संबंध है तो कह देना। हाँ देख भाई तेरे सब सवालों का जवाब तो दिया जा सकता है, लेकिन ये संबंध वाला मामला अपनी समझ में भी नहीं आता। अच्छा तुझी से पूछता हूँ, बता मैं तेरा कौन लगता हूँ, मेरी क्या लगती है? बोल बोल। बड़ा मुश्किल सवाल है ये। सवाल तो मुश्किल है लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा। कुछ तो लगती हूँ। कुछ तो बोली। अच्छा देख मैं जाता हूँ माँ के साथ जाके मामला फिट करके आता हूँ। जैसे मामला फिट हो जाए सुबह तक आगे तुझे ले जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या मैं यहाँ के लिए जाऊंगी? कहीं भूत प्रेत आ गया तो? भूत अगर आ गया तो बोलना भूत बाबू राम 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 राम, ये तो मेरा नाम ले लेना। अच्छा सारे रास्ते खड़ा इसको पकड़ लेने। हाँ मैं मर गई, ताला नहीं है, मैं लुट गई, ना जाने मेरा क्या क्या लुट गया। अंदर चलो देखते हैं क्या क्या। जल्दी आओ मेरे कड़े मेरा हाल है ना। अरे वो तो तेरी नाक में है, उतारी कब थी? शुक्र है भगवान का तो मेरा सब कुछ बच गया। तो ये चक्कर है, इस कलमुई को घर में घुसा रखा है। तभी बड़े प्यार से मुझे कहते थे जाओ जाओ माँ के घर, इसी कलमुई के लिए मुझे, तुम चुप रहो, इसी कलमुई के लिए मुझे कहते थे घर से जाओ। बताइए कौन है लाल कपड़े वाली कलमुई? चला लो। हाँ हाँ अब तो तुम इसे चला ही कहो, लेकिन याद रख तेरी बारात मेरी अस्सी पे उठेगी। वो दिन कब आएगा? क्या कहा वो दिन कब आएगा? झाड़ू पकड़ लिया है। देखिए अगर ये मुझे कत्ल करके चली जाना तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन अगर ये मुझे छोड़ के चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी जाति को अभी चैन नहीं। आपकी बात सुनिए, मैं चंदा हूँ, वो राजी है ना, राजी राजी मुझे यहाँ ले आया, कहता था राम सिंह मेरा दोस्त। अरे राम राजी राजी मेरा दोस्त। अरे मैं कैसे भी गया तू से सुनो तो सही। तुम जाओ यहाँ से, मैं जाऊँ। वो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, मैं नहीं जाती हूँ। क्या कर चंदा कहाँ है? तेरी ट्रक आजकल कैसे चल रही है? ट्रक बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन चंदा कहाँ है यार? गुस्सा नहीं ना करेगा तू? चंदा अरे ओ चंदा, चंदा अरे ओ चंदा, यार गुस्सा नहीं ना करेगा तू? लस्सी पी। अरे मैं पूछ रहा हूँ चंदा कहाँ है? यार राजू तू तो जानता है ना तेरी भाभी जरा गुस्से के मिजाज वाली है, और वो चंदा को गलत समझ बैठी। तू लस्सी पिएगा? मैं पूछा फिर क्या हुआ? यार उसने उसको घर से निकाल दिया। कहाँ गई? पता नहीं। तू लस्सी पिएगा? माफ करना यार। धन्यवाद। अजी सुनते हो? आता हूँ। चंदा रो
दिमाग खराब हो गया तेरा चंदा? मैंने इसलिए तुझे बचाया था कि तू अपनी जान दे दे, बेवकूफ कहीं की। राजी मुझे मर जाने दो, इस तरह चुप चुप के जीने से क्या फायदा। चल मेरे साथ। कहाँ ले जाओगे? फिर कहीं ले जाके छुपा दोगे ना, और फिर वहां से निकल दी जाऊंगी। मैं और तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे मर जाने दो। जा मर जा। हाँ हाँ, मैं मरूं या जीऊं तुझे क्या, तुझे तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी ना। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे से प्यार करने वाली लड़की तो मुझे कभी नहीं मिलेगी। हाँ ना जइयो, ना जइयो, छोड़ के न जइयो मेरी रानी, ना जइयो, छोड़ के न जइयो मेरी रानी। हाँ जाएगी साथ तेरे, जाएगी साथ तेरे मेरी जिंदगानी। हाँ ना जइयो, छोड़ के न जइयो मेरी रानी, ना जइयो, छोड़ के न जइयो मेरी रानी। बागों में कलियां खिलने के दिन, बागों में कलियां खिलने के दिन, अखियां से अखियां मिलने के दिन। बागों में कलियां खिलने के दिन, अखियों से अखियां मिलने के दिन। ओ बात जो न मानी, हाँ ना जाऊं छोड़ के, न जाऊं तो ही जानी। ओ कदमों में तेरी मेरी, कदमों में तेरी मेरी, फूल सी जवानी हो जानी। जाऊं ना जाऊं, ना जाऊं छोड़ के, न जाऊं तो ही जानी।
जाएगी साथ तेरे मेरी जिंदगानी आना चाहिए छोड़ के न जाइयो मेरी रानी मार्ग में एक आश्रम देख पड़ा वहां पक्षी मृग जीव जंतु कोई भी नहीं था प्रभु ने शिला देखकर मुनि से पूछा तब ऋषि ने विशेषता से सब कथा कही गौतम नारी आप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा कर हर रघुवीर अरे अरे बेटा राजी कब आया माँ मैं तो कब से आके बैठा हूँ लेकिन तुम रामायण में इतनी मगन थी मैं तुम्हारी भक्ति में भंग नहीं डालना चाहता था अच्छा तो पहले तो तू ऐसी बातें नहीं करता था ये तो अच्छी बात है बेटा तू कभी कभी रामायण की दो चार चौपाइयां पढ़ लिया कर भगवान का नाम लेने से तो जीवन सफल होता है ले पढ़ मर गए जब श्री रामचंद्र जी का प्रवेश मिथिला में हुआ तो सीता ने राम को देखा राम ने सीता को देखा दोनों ने एक दूसरे को देखा देखा और देखते ही रह गए देखते ही रह गए बेटे हाँ? रामायण जब पढ़ते हैं तो पूरे ध्यान से पढ़ते हैं हाँ? तू तो पढ़ने में बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है वहाँ कौन से तेरे लिए सीता खड़ी है हाँ? सीता नहीं माँ चंदा चंदा वो चंदा कौन है हाँ, वो एक बड़ी बेसहारा सी लड़की है उसका जो मामा है ना उसकी शादी एक कुत्ते के साथ करना चाहता था अरे मुझे बड़ा गुस्सा आया मैं मंडप पे गया बड़ी धूमधाम हुई बहुत झगड़ा हुआ मार काट हुई मैं उस बेचारी को बचा कर ले आया बड़ी दया आई मुझे उस पर जान तो बचाई लेकिन उसे दरवाजे पर क्यों खड़ा कर रखा है अंदर ले आना था माँ वो क्या है दरअसल मैं तुझसे थोड़ा सा डर गया था मुझसे तो डर गया मैं क्या उसे घर से निकाल दूंगी अरे बेटे वो घर तो बड़ा भगवान होता है जहाँ कोई मेहमान आए हाँ वो तो बहुत भाग्यवान होता है ना हाँ? तो मैं चले बाहर हाँ? हाँ, चल चल माँ हाँ, ये चंदा चंदा ये मेरी माँ है जीती रहो बेटी बेटे क्या इस लड़की को तो पहले से जानता है कैसे मिल गई थी तुझे माँ राम को थोड़ी मालूम था कि सीता से उसकी कब भेंट होने वाली रामायण में लिखा है और जिनको मिलना हो तो मिलकर ही रहते हैं तूने सच ही बोला बेटे देख बेटी चंदा इसे अपना है घर समझ हाँ इसे अपने घर समझना तुझे कोई कष्ट नहीं होगा हम लोग कोई कष्ट नहीं मतलब मेरी माँ जो मेरी माँ है ना इसने सारी दुनिया के कष्टों का ठेका ले रखा और अपने सुख का तो इसे कुछ पता ही नहीं है बेचारी भोली भाली बस बातें ना बना बेटी सभी तो ऊपर वाले के अधीन है जिसकी जहाँ लिखी होती है उसको वही मिलती है वही मिलता है अम्मा जानती हूँ चंदा क्या कह रही थी चंदा मुझे कह रही थी राजी अगर तेरी माँ मुझे अपने घर में रख लेना तो मैं जिंदगी भर उनका एहसान कर नहीं माँ मैं नहीं चंदा कह रही थी राजी तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला क्या माँ कमाल है माँ तुम भी बहुत बोली हो देखो नेकीराम मैंने सुना है आज रात को हमारी मोटर कालका तक जा रही है अजी हमारी मोटर तो हमेशा कालका तक जाती है देखो नेकीराम मैं कालका जाना चाहता हूँ अपने बीवी और बच्चे को देखने के लिए मैं रातों रात लौट आऊंगा है? अजी आप मालिक हैं दिन को जाइए या रात को मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे हैं नेकीराम तुम घर के कार मुख्तार हो ना मुझे तो तुम ही से पूछना पड़ता है नेकीराम अगर तुम ड्राइवर को राजी कर लो तो मेरे दिल की ये हसरत पूरी हो जाएगी लेकिन रतन बाबू इतने वर्षों के बाद आज आपको बीवी बच्चे की याद क्यों सताने लगी औलाद किसे प्यारी नहीं होती और और अब मेरा दिल कहता है कि मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगा लेकिन मरने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं जानकी से मिलकर उससे क्षमा मांग लूं और अपने जवान बेटे की सूरत अपनी आंखों में लेकर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाऊं कहो कहो नेकीराम मुझे माँ से चोरी छुपे कालका तक पहुंचा दोगे ना क्यों नहीं फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम मेरे साथ चलोगे जरूर चलूंगा
रतन बाबू गणेश के साथ क्या हुआ वो तो आपको अच्छी तरह मालूम है। बेचारे को जरा सी बात के लिए नौकरी से बर्तरफ कर दिया गया। अब अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मैडम मेरी भी छुट्टी कर देगी, इसलिए पहले ही से क्यों ना आपके साथ चला चलूं। लेकिन नेकीराम, माँ को कैसे पता चलेगा? ये राज तो तुम्हारे, मेरे और ड्राइवर के दरमियान है। ओहो रतन बाबू, आपने अपनी माँ के पेट से जन्म जरूर लिया है, लेकिन ना उनको पहचाना, ना जाना, ना समझा। उनकी दो आंखें पीछे, दो आगे, दो दाएं, दो बाएं। और सुनिए, इस मकान की दीवारों को भी आंखें और कान हैं। अगर हिंदुस्तान में 300-400 औरतें ऐसी और पैदा हो जाएं, तो टेलीविजन पर करोड़ों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है? बोलिए। इसका मतलब है मैं अपने बीवी बच्चे को नहीं मिल सकता? मिल जाएंगे, पहले रोटी तो खा लीजिए। देखिए राम जी, आपको राज माता जी ने बुलाया है। कह दो लंच टाइम है। अच्छा, अरे बोलो, आता हूँ आता हूँ। रतन बाबू, अगर मैडम ने आपको यहाँ देख लिया तो मुझसे भी चौपाइये सुनेगी, आप बुरा मत मानिएगा प्लीज। यस मैडम, भोजन हो गया नेकीराम जी। जी हाँ मैडम, भोजन पेट भर के हो गया। भला आपके राज में कोई भूखा रह सकता है जहाँ असली घी के पकवान मिलते हो? मैडम मैं यूं आया था और यूं हो गया। तुम जरूरत से ज्यादा खुशामदी होते जा रहे हो। ओहो, आज तो काम की इतनी भरमार थी कि दिमाग खुश्क होकर रह गया है। नेकीराम जी, जी बहुत दिनों से हमने कोई संगीत नहीं सुना, जरा टेप रिकॉर्डर ऑन कीजिए ना। ये राज तो तुम्हारे, मेरे और ड्राइवर के दरमियान है। ओहो रतन बाबू, आपने अपनी माँ के पेट से जन्म जरूर लिया है, लेकिन ना उनको पहचाना, ना जाना, ना समझा। उनकी दो आंखें पीछे, दो आगे, दो दाएं, दो बाएं। और सुनिए, इस मकान की दीवारों को भी आंखें और कान हैं। अगर हिंदुस्तान में 300-400 औरतें ऐसी और पैदा हो जाएं, तो टेलीविजन पर करोड़ों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है? बोलिए। नेकीराम, इस गीत का लेखक कौन है? मैडम, मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था, बगैर सोचे समझे ना जाने क्या अनाप शनाप बन गया। हट जाओ अलग, मेरे पांव मत छू। माँ क्षमा, आइंदा ऐसी गलती करूं तो मेरी जुबान काट दीजिएगा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। क्षमा क्यों मांगते हो नेकीराम? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो रतन का है, मेरे अपने बच्चे का, जो हर एक के सामने हमदर्दी की भीख मांगता फिरता है। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं मैडम, रतन बाबू परले दर्जे के अहमद, बेवकूफ और कायर हैं। उनकी संगत में बैठ बैठ कर मैं भी दीवाना और बावड़ा बन गया हूँ। बको मत, खबरदार जो तुमने मेरे बेटे के खिलाफ कुछ कहा। रतन का नाम इज्जत से लिया करो, वो तुम्हारा मालिक है। आप ठीक कहती हैं मैडम, भगवान के बाद हमारे जो कुछ भी है रतन बाबू ही तो है। और फिर क्यों ना हो, आपकी इकलौती संतान जो है उनके इशारों पर सर झुकाना हमारा धर्म है। गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, जाओ स्टेट इंस्पेक्शन की तैयारी करो। जो आप जा। वो देखो आसमान पे चांद है, चांद के नीचे दरख्त है और दरख्त के नीचे बैठे हैं हम तो बेवकूफ। तुम सचमुच पगले हो। प्यार भी तो पगले क्या करते हैं। बस ये कहने के लिए तुम मुझे जगह कर लाए हो? अभी कुछ कहा ही नहीं, अभी तो बहुत बहुत कुछ कहना। बता दो ना राजी, देखो जल्दी जल्दी बता दो, भूला भटका मुसाफिर आते जाते देख लेगा तो बदनामी हो जाएगी। अरे बदनामी उसकी होती है जिसका कोई नाम हो, जब नाम ही नहीं तो फिर बदनामी किस बात की? लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बदनामी है। क्या तुम बदनाम हो? अरे तू तो नहीं नहीं फंसी है ना, मैंने तो कई लड़कियों के साथ आंख मटक का किया। हाय राम, तू पुराना दिल फेंक है। अच्छा राजी एक बात बताना, क्या मुझसे पहले किसी लड़के के साथ इस तरह से बैठा था? किसी का हाथ वाथ पकड़ा था? किसी का हाथ वाथ पकड़ा था? अरे कईयों के हाथ पकड़े, कईयों की टांगे घसीटी। एक तो ऐसी प्यारी चीज थी चंदा, मत याद दिलाओ भगवान कसम, जब उसकी याद आती है दिल पर छुरियां चल जाती हैं। क्या वो कोई आसमान से उतरी हुई परी थी? बस चंदा बस कर, उसकी याद ना दिला। राजी बता दो, क्या वो तुझसे छेड़छाड़ करती थी? छेड़छाड़? अरे वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था, हम दोनों एक दूसरे के दीवाने थे। और वो जब भी आती थी सीधी अपना सर मेरे गोद में रख देती थी। हट जा तू। एक दिन की बात है, चली जा रही थी गली में, झूमती झामती, थोड़ी सी खफा मालूम हुई, मुझे भी आया गुस्सा, जा भाग कर मैंने भी पकड़ ली टांगे, बहुत चिल्लाई मैंने भी हाथ रख दिया और उठा लिया गोदी में, उठा कर ले गया सीधा आंगन में और खूब कान मरोड़े। तू जाना जा उसके कान जाके मरोड़, मेरे पास क्यों आया है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हाँ। आ,
क्या हुआ फिर? अरे लाया आंगन में, उसको पटक दिया जैसे तू पटकी पड़ी, और बना दिया उसकी टाओ का ताकि और आराम से सो गया। और मैंने उससे पूछा, ए चुपके चुपके कहाँ जा रही है रे? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। बहुत नखरे किए, कभी मुंह उधर कभी मुंह इधर, और फिर आ गई अपने रंग में और मुंह से मुंह लगाकर शुरू हो गई। हटो ना, मुझे सच सच बता दे। हाँ। अरे अंदर से तो तू जल रही है। चल। हाँ जल रही है। अरे मुझे क्या पड़ी है जलने की? अरे देखो सही, तुम्हारा दिल धक धक कर रहा है या रुक गया? सुनो तो हट जा, छू मत मुझे, परे होके बैठ और मुझे साफ साफ बता दे। हाँ। चंदा छोड़, क्या करेगी, सौतन के किस्से सुनकर जल जाएगी। मैं? अरे मैं जल नहीं रही हूँ। हाँ तू जल, मैं जल नहीं रही हूँ, मैं तो मजा ले रही थी। नहीं नहीं बता देना। बता दो। हाँ। अच्छा तू कहती तो बता देता हूँ। बात मोटी सी है कि उसके बाद मेरी उससे मुलाकात ही नहीं। हाँ? मैं उसके मोहल्ले में गया, गली वालों से पूछा, अरे मेरी प्रीतू कहाँ है, तो पता ये चला कि 30 रुपए में उसके घर वालों ने उसे कहीं भेज दिया। उसके घर वाले भी मेरे मामा जैसे होंगे, लेकिन राजी। हाँ? क्या वो तो उससे उसके बाद कभी नहीं मिले? उसके दिल में तेरे लिए अगर इतना प्यार था तो कभी छुपा के मिलने तो आई होगी। अरे पगली, कसाई की दुकान से भी कोई लौटता है? तो क्या उसके घर वालों ने उसे कसाई के हाथ भेज दिया? फिर की ना बेवकूफों वाली बात। अरे कसाई तो बकरी को खरीदता, और कौन खरीदता, अकल भरी या बैस? ढाई सेर खून कम कर दिया तूने मेरे बकरी को, किसने सुना था? मैं तो मजाक कर रहा था चंदा। अरे चंदा मैं तो मजाक कर रहा था भाई। अरे तुम खामखा रूठ गई। चांदनी को क्या हुआ? चांद अभी अभी तो यहीं पर था। वो तो तुझे देख के छुप गया होगा। चल झूठी, तेरा चांद सा मुखड़ा देखकर बादलों की आड़ में छुप गया होगा। ए, ए, तेरी आंखों में आंसू? नहीं तो, तू रो रही थी? हां रो रही थी तू। अरे राजी मैं नहीं रो रही है। अरे देख ये बूंदाबांदी हो रही है। अरे हाँ, अरे तुझे भी इसी वक्त बरसना था। राजी राजी जल्दी घर चल, भीग जाएंगे। अरे भीग जाएंगे तो चोरी पकड़ी जाएगी। चल राजी। बिजली। चंदा देख तू चिपकी है मेरे साथ, मैं नहीं चिपका तेरे साथ। देख मैं नहीं चिपकी बाबा। झूठ बोल रहे हैं? अच्छा बाबा मैं ही चिपका हूँ। जानती किसी शायर ने हमारे लिए लिखा है, लिपट जाते हैं वो बिजली के डर से, इलाही ये घटा दो दिन तो बरसे। राजी। हाँ छोड़ देना। नहीं छोड़ दे। नहीं देख मैं तो तेरी हूं ना, लेकिन अभी नहीं। कब? झिम झिम रिम झिम देखो बरस रही है रात, प्यार से जो थामा है तुमने मेरा हाथ रे। झिम 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 देखो बरस रही है रात, प्यार से जो थामा है तुमने मेरा हाथ रे।
हम तुम पीछे बूंदों की बारात रे। रिम झिम रिम झिम देखो बरस रही है रात, प्यार से जो थामा है तुमने मेरा हाथ रे। रिम झिम रिम झिम देखो मौसम दीवाना है, कुछ हम तुम भी हैं दीवाने। कभी रुके ना बरसे जाए ये पागल बरसात रे। रिम झिम रिम झिम देखो बरस रही है रात, प्यार से जो थामा है तुमने मेरा हाथ रे। ले बेटी प्रसाद ले ले। माँ जी आज सवेरे सवेरे ही मंदिर चले गए। हाँ बेटी, कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपने से क्या डर है माँ जी? सुना है पिछले पहर का सपना सच हो जाता है। कैसा सपना था माँ जी? क्या कहूँ बेटी, सपने में मैंने देखा कि राजे के पिताजी दर्द के मारे तड़प रहे हैं, मुझे तो पसीने छूट गए। भगवान करे वो अच्छे हो। माँ जी आपको कहीं जाना है? हाँ बेटी, सोचती हूँ किसी न किसी तरह राजी के पिता को चोरी छुपे देखना। माँ, दुख दर्द का इलाज हो सकता है लेकिन पागलपन का नहीं। ये तो क्यों भूल जाती है कि उस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सारी उम्र तो तूने गरीबी में गुजार दी, अब इस उम्र में अमीरी की मैली चौखट पर माथा रगड़ने जाएगी, मैं तुझे नहीं जानती। राजी, मेरा रास्ता मत रोक, मुझे अपना धर्म निभाने दे। माँ, क्या लेगी माँ जाकर? तेरे पति की सेवा करने के लिए उनकी करोड़पति माँ है, हजारों नौकर चाकर हैं, एक से एक बढ़ के दवा है। तेरी मांग का सिंदूर देखकर क्या तेरे पति अच्छे हो जाएंगे? राजी, सोच समझ कर बात किया कर,
वो मेरे पति हैं, तो तेरे पिता भी तो हैं। माँ आहिस्ता बोल, आहिस्ता कुछ सुनेगा तो हंस देगा। एक करोड़पति बाप का एक ट्रक ड्राइवर बेटा कैसे हो सकता है? राजी, तू अपने पिता को पिता नहीं मानता, लेकिन मुझे तो अपने सुहाग की लाज रखने दे। किस सुहाग की बात कर रही है माँ? क्यों अपने आप को पुरानी यादों की आग में चला रही हो? तेरा रिश्ता तेरे पति के साथ सिर्फ शादी तक का था, जो टूट चुका है। माँ, मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। राजी, राजी, तेरी जिद मुझे मार डालेगी। मैं इस दुनिया से जाने से पहले एक बार उन्हें देख लो। माँ, तेरी यही जिद है ना, तू इनसे मिलना चाहती है? ठीक है, वो यहाँ आएंगे, तू वहां नहीं जाएगी, और मैं देखूंगा वो यहाँ कैसे नहीं आएंगे। माँ जी, एक जरा सी बात पूछूं? पूछ बेटी, ये क्या कहानी है? क्या आप में और राजी के पिताजी में कोई भेदभाव है? बेटी, अब तुझसे क्या छिपाऊं? तू भी तो मेरा ही अंग है, इस घर की बहू बनने वाली है। बात यह है बेटी कि मेरी शादी से पहले राजी की दादी ने उनके लिए कोई और रिश्ता ढूंढ रखा था, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली। फिर भी मेरे सास ससुर ने मुझे स्वीकार कर लिया। मेरे पिता अपने वक्त के एक बहुत बड़े देशभक्त थे, और राजी के दादा उन दिनों पुलिस के सबसे बड़े कर्मचारी थे। जब राजी मेरे गर्भ में था, तो एक दिन मेरे पिता मेरे ससुराल में मुझे लेने आए। शादी के बाद लड़की की हर ख्वाहिश पर ससुराल वालों का हक होता है। आप सही फरमा रहे हैं, मैं आपके घर में लड़की दे चुका हूं, मतलब अपनी इज्जत दे चुका हूं। आगे आपकी मर्जी। देवदत्त जी, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, लेकिन देखिए हमारी बहू को कोई तकलीफ ना होने पाए। गरीब बाप के नाते मैं आपकी बहू की जो भी सेवा कर सकता हूं जरूर करूंगा। आओ बेटी। ठहरिए, आपसे कुछ कहना है, लेकिन देखिए मुझे गलत मत समझना, बार बार आपका यहाँ आना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्यों, क्या समधी समधी के घर नहीं आ सकता? ये बात नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ का TIG हूँ, और आप यहाँ की गद्दार पार्टी के एक बहुत बड़े नेता। आपके यहाँ आने से ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतने बड़े अहदे से हाथ धो बैठूं। अगर आप इंसानियत से अपने अहदे को बड़ा समझते हैं, तो मैं आज के बाद इस दरवाजे पर कभी कदम नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। आओ आओ बेटी, आओ। फिर क्या हुआ मां जी? बेटी, यहां से मेरे दुख दर्द की कथा शुरू होती है। कुछ दिनों के बाद अंग्रेजी राज के खिलाफ देश में बगावत ज्यादा फैल गई। राजी के दादा ने कई बार बागियों पर गोलियां बरसाई, कई देशभक्त मारे गए, और जनता में बेचैनी फैलती चली गई। फिर बेटी, जब लोग सरकार के जुर्म से तंग आ गए, तो फिर बागियों ने एक खुफिया सम्मेलन किया। हाँ बेटी, वो पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और उनको फांसी की सजा हो गई। फांसी? हाँ, उनका निर्वाण हो गया। मैं दुखों की भट्टी में जलने के लिए अकेली रह गई। उस वक्त राजी 1 महीने का था, जब मैं डरती डरती अपने बच्चे को गोद में उठाए अपनी सास के घर गई। रतन, मुझे अभी अभी यह फैसला करना होगा कि तू मेरा बेटा बनकर रहना चाहता है कि इस औरत का पति। माँ, जो होना था सो हो चुका, अब इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ
कि इसे जन्म देने वाला मेरे सौहाग का कातिल है। माँ, पिता के किए हुए की सजा संतान क्यों भुगते? रतन, अगर तूने इस औरत का साथ दिया तो याद रख, अगर मैं अपने पति का गम बर्दाश्त कर सकती हूँ तो बेटे का गम भी सह लूंगी। आज तुझे हम दोनों में से एक को चुनना होगा, अपने बाप के हत्यारे की बेटी को या अपनी माँ को, जिसके मांग के सेंदूर को छीन कर इसके बाप ने राख भर दी। अंदर नहीं जा सकते। मेरा नाम राजी और आज तक मुझे किसी ने नहीं रोका, समझे? राजी, राजी, अरे बेटा राजी, बेटा। पर्याप्त, मुझे रतन लाल जी से मिलना। क्या क्या? बात सुनो, अगर मैंने तुम्हें रतन लाल जी से मिला दिया तो मुझे भी इज्जत हानि करनी पड़ेगी, इसलिए बेटे बात सुनो, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर खबर करके आता हूँ, जाना मत। चमचे जी, जल्दी आना। हाँ जी, चांदी का चमचा। रतन बाबू, रतन बाबू, आपकी माता जी आपसे मिलने, मेरा मतलब है आपकी बीवी का पुत्र, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। मेरा बेटा दाजी कहाँ है? वो बाहर गेट पर खड़ा है। बाहर गेट पर खड़ा है, लेकिन माता जी कहाँ है? इस वक्त तो दफ्तर में है, लेकिन शाम को दिल्ली जा रही है। शाम को दिल्ली जा रही है? फिर नेकीराम जी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या बताऊँ रतन बाबू, मेरी कमीज का कॉलर तो पहले ही फट चुका है, अब तो मैं अपने कोट और पैंट की रक्षा कर रहा हूँ। जब बेटा मिलने आया है तो चोरी छुपे उससे जाकर मिल लीजिए। अच्छा अच्छा, निकिराम जी मैं जाता हूँ। राजी, बेटे। अपने पिता से ऐसा बर्ताव? बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूं। जब मेरा जन्म हो चुका है तो जरूर कोई मेरा बाप भी होगा। क्या बेगानों जैसी बातें कर रहा है? बता, तेरी माँ कैसी है? तो चलो मेरे साथ मेरी माँ के पास। हाँ हाँ, चलता। वो सिर्फ ये देखने के लिए तड़प रही है कि तुम अच्छे भी हो या नहीं। चलोगे? हाँ राजी, चलता हूँ, चलता हूँ। बेटे, तू ऐसा कर, आज रात को माँ जी दिल्ली जा रही हैं। माँ जी के जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। जानकी को देखने के लिए मेरा मन इस कदर तड़प रहा है कि मैं क्या बताऊँ। रात को मुझे लेने के लिए आओगे ना? साहब, टेलीग्राम। राजी, माँ जी जिस काम के लिए दिल्ली जा रही थी वो काम कैंसिल हो गया है। राजी, इस तार का पता सिर्फ हम दोनों को है। तुम अपनी माँ को दिल्ली जाने दो, फिर रात को हम अपनी नगरी चलेंगे। राजी, राजी।
राजी आ गए बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माँ जी दिल्ली चली गई, आओ आप जल्दी चले। चाबी ढूंढ रहे हो? ये रही चाबी। राजी। यस ग्रैंड मदर। तुम टेलीग्राम फाड़ सकते थे मगर ट्रंक कॉल नहीं रोक सकते थे। दादी कभी मौका मिला तो टेलीफोन के तार काट के भी तुम्हारे हाथों में थमा दूंगा। रतन कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जा सकता हूँ माँ, बीमार आदमी हूँ, मुश्किल से तो बिस्तर से उठा जाता है। रतन बेटे के सामने ऐसा क्यों कह रहे हो? इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा बेटा आया है। हाँ बड़ी मुद्दत के बाद आया। इसे अपने साथ अंदर ले चलो। अच्छा माँ, आओ बेटे चलो। हाँ हाँ जरूर चलेंगे, जरा हम भी तो देखें जिस जहन्नम में आपका बेटा रहता है वो जहन्नम है कैसा। करोड़पति दादी का पोता और एक ट्रक ड्राइवर, इम्पॉसिबल। एक मरीज के लिए इतना बड़ा अस्पताल। हाँ बेटे, लोग तो कहते हैं कि जिंदगी भगवान के हाथ में होती है, लेकिन मेरी जिंदगी तो दवाओं के सहारे चलती है। जिंदगी में इतनी दवाएं पी ली हैं कि अब पानी और दवा में बिल्कुल फर्क नहीं मालूम होता। बदन में इतने इंजेक्शन लग गए हैं कि अब सुई की चुभन चुभन नहीं महसूस होती। कुछ लोगों को इसी दुनिया में सजा मिल जाती है, भगवान के यहाँ जाकर कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। राजी राजी चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दूँ। अच्छा इस चिड़ियाघर में हमारा भी कमरा? लेकिन दादी हम तो जंगली जानवर हैं, पिंजरे में बंद होने वाले नहीं। ओ राजी तू उस पिंजरे को चलकर एक नजर देख तो सही, जिसमें मैंने दुनिया भर के आराम, दुनिया भर की नेमतें तेरे लिए जमा कर रखी हैं, और तू अपनी एक जिद की वजह से उनसे महरूम है। तो फिर चलो दादी देख ही लेते हैं ऐसी कौन सी खुशी है जो हमारी ना हो सके। चलो चलो। हाँ चलो। वाह वाह इतनी बड़ी खुली जगह, यहाँ तो 5-10 ट्रक खड़े हो सकते हैं। बेटे अंदर चलकर तो देख। आओ आओ अंदर आओ। ये देख ये तुम्हारा कमरा है। मेरा? ऐसा सजा सजाया कमरा देखा है कभी? हाँ फिल्मों में देखा है। और देख जब तू छोटा सा था तेरे लिए मैंने कहां कहां से जूते मंगवाए, जापान से, अमेरिका से और लंदन से। देख कितना खूबसूरत है। अच्छा तो मैं खाना खाए बचपन में नंगे पांव घूमता रहा। आ और देख ये देख दुनिया के कोने कोने से मैंने तेरे लिए कैसे कैसे खिलौने मंगवाए। अफसोस है क्या मैं खिलौनों से खेल ना सके, लेकिन किस्मत हमें खिलौना बनाकर हमसे खेलती रही। ओ राजी अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं। अच्छा आ मेरे साथ। राजी मुझे जब रतन पैदा हुआ था तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं खरीदा था, ये सब कुछ तुम्हारे लिए खरीदा है। क्या क्या अरमान थे मेरे, मेरा पोता पैदा होगा तो दुनिया भर का ऐशो आराम उसे दूंगी, शहजादों की तरह उसकी परवरिश करूंगी। शहजादे तो हम है दादी माँ, लेकिन अपनी मर्जी के, और जिस राज सिंहासन पर हम बैठते हैं ना वो राज सिंहासन तुम्हारी किस्मत में नहीं है। राजी मुझे समझने की कोशिश करो, देखो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। दादी मशीन कभी प्यार नहीं कर सकती, पत्थर के बुत में कभी ममता नहीं जाग सकती, पेड़ को जड़ से काट कर उसकी शाखों से प्यार नहीं किया जा सकता। राजी ये ऐसी बातें तूने कहां से सीखी? जमाने से, वक्त से। जमाना मेरी पाठशाला है, वक्त मेरा गुरु है, और जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ ना दादी
उस कॉलेज के उस्ताद हैं, गरीबी आहें और आंसू, सिसकियां और निराशा। बस राजी बस, अब निराशा के दिन गए, आहों और सिसकियों का जमाना गया। तू यहाँ आ गया है, पहले तू बहुत छोटा सा था, अब बड़ा हो गया है। अपने अच्छे बुरे की तमीज है तुझको, तू मेरी आंखों की ठंडक है बेटे। दादी, मैं सिर्फ उस औरत की आंखों की ठंडक हूँ जो मेरी माँ है और जिसका दिल अपने पति की विरह में जल रहा है। अगर तुझे पोते का प्यार चाहिए तो चल मेरे माँ के पांव छू और अपने किए की क्षमा मांग। राजेश, राजलक्ष्मी और तुम्हारी माँ के पांव पर गिरकर माफी मांगेगी? जरूर मांगेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। दादी, रात 12 घंटे की होती है, 12 बरस की नहीं। राज, ये एक सपना है, भूल जैसे तो दुनिया को झुकाना जानती हूँ, दुनिया के आगे झुकना नहीं। अच्छा, ये बात है तो इन जूतों का तिलक लगाकर जिंदगी भर इनकी पूजा करती रहना, इन खिलौनों को अपने सीने से लगाकर अपने दिल को झूठी तसल्ली देती रहना, दिन रात अपने बीमार बेटे की खांसी की सरगम सुनते रहना। तुम्हारे तुम्हारे इस गरूर ने तुम्हारे बेटे को गिरती हुई दीवार की तरह बना के रख दिया है। वाह, कितना सुखी परिवार है, कितना सुखी परिवार है। इकलौता बेटा है जो 24 घंटे बिस्तर पर लेटे लेटे दवाओं के अमृत पीता रहता। पोता, दादी तुम्हारा पोता है वो सड़कों पे धूल उड़ाता रहता है। वाह वाह, कितना बड़ा खानदान है, कितनी बड़ी मर्यादा की मालकिन हो तुम कि एक कुटिया में रहकर तुम्हारी बहू बर्तन मांगती रहती है। एक बात याद रखो दादी, दादी एक बात याद रखो, तुम्हारी बहू तुमसे ज्यादा खुश नसीब है जिसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने 24 घंटे रहता है, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है और पैसा लाकर अपनी माँ के हाथ में देता है, और वो दो वक्त की रोटी खाकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। राजी, राजी। ओ राजी। चंदा बेटी। राजी अभी तक नहीं आया, क्या पता माँ जी, शायद बाबा और दादी माँ ने रोक लिया होगा। हाँ माँ। बेटे, बेटे अपने पिता को साथ नहीं लाया, बोल तो सही, कुछ तो बोल। माँ क्या बोलूं, इतना खुश हूँ अब भाई, क्या है बोलने के लिए। चंदा हाँ? जल्दी से मेरा खाना बांध दे, मुझे रात को ट्रक लेके जाना। रात को काम? हाँ बोला ना। बेटे हाँ? ये तो बता तेरे पिता कैसे हैं, उनकी सेहत तो अच्छी है ना? अरे माँ बहुत अच्छी है, उनकी सेहत बड़ी फर्स्ट क्लास है। हाँ? उन्होंने तेरे बारे में बहुत पूछा। हाँ? बोला माँ को क्यों नहीं लेके आया? अच्छा? मैं कहा नहीं बाबा, पहले तुम हमारे घर चलो फिर माँ चलेगी। हाँ, हाँ? दादी ने तेरी अवभगत की होगी। अरे बहुत की। अरे कहने लगी देखो तो सही, पहली बार पोता मेरे घर पर आया है। हाँ? बड़ी खुश थी, मैं भी बहुत खुश था। और जानती हो, चले खाना खा के जाओ। मैंने कहा खाना खा के जाते हैं, उसके बाद मुझे सब कमरे दिखाए और फिर वो मुझे वो कमरा दिखाया छोटा सा, जहाँ पे छोटे छोटे वो खिलौने रखे हुए हैं और वहाँ पे वो छोटे छोटे बूट है। कहने लगी देख बेटा, ये मैंने जब तू छोटा सा था ना, मैंने ये तेरे लिए तब खरीदे थे, अब तू यहीं पर आकर रहना। मैंने कहा बिल्कुल आके रहूंगा। बेटे मुझे मालूम था वो तुझे बहुत प्यार करती है, आखिर तेरी दादी है ना। और तेरी सास भी तो है ना माँ, उसी सास के पास तेरा हक मांगने गया था, जो हक ना आज तक तुझे कभी मिला है ना कभी मिल सकता है। आइंदा आइंदा मुझसे कभी मत पूछना कुछ, बहुत बड़े लोग हैं माँ वो। ए राजी, ए तू फिर आ गया, इस बार अपने साथ इतनी लंबी चौड़ी फौज लेके आया। हाँ पता चंदा कहाँ है? अगर चंदा को फौरन मेरे हवाले नहीं किया तो ये घर जलाकर राख कर दूंगा, समझा? बेटे ये लोग कौन है, तेरा इनसे क्या झगड़ा है? माँ मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ये चंदा का मामा है, फिर किसी बुड्ढे से शादी ब्याह का सौदा करके आया होगा, और क्या पूछता है इसे? पूछा पूछा Hey!
राजी बेटे तू फिक्र मत कर माँ अरे चल हट बेटे हाँ। राजी ज्यादा चोट तो नहीं है हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बेटे इस मारामारी से क्या फायदा आखिर चंदा है तो उसकी ही भांजी वो तो पुलिस को लाकर भी इसे यहाँ से ले जा सकता है नहीं बाजी नहीं मैं मामा के पास नहीं जाऊंगी नहीं बेटी नहीं बेटे हाँ। अगर हमसे कोई पूछे हाँ। हमारा इसका क्या रिश्ता तो हम क्या जवाब देंगे हमने तो इसे घर में छुपा कर रखा है हाँ तो ठीक है मां बाहर निकाल दो बाहर निकाल बुद्धू का बुद्धू ही रहा अरे ये गरीब लड़के को घर से बेघर करना चीची अरे चीची क्या अरे कमाल है सारे दिन मेहनत करूं मैं और खाट पे बैठ के ये खाए मोटी मैं खाट पे बैठ के खाती हूं और क्या आज मैं काम नहीं करती हां हां ये तो बहुत काम करती है ना खून पसीना एक बात है मां तू इसकी बात में मत आना बाहर निकाल दे बाहर निकाल अरे अरे पागल हो गया क्या मैं तो ये पूछ रही थी इसे घर में रखे कैसे कमाल है माँ एक तरफ तुझे पुलिस का डर है दूसरी तरफ तू इसे रखना भी चाहती है जब रखना है ना तो इसे खुल्लम खुल्लम माँ अगर मैं तेरी जगह हूँ ना मैं तो ऐसे ही करूँ तो फिर सीधी तरफ बोलना इतनी देर से टेंटे क्या कर रहा है माँ मैं कहाँ टेंटा कर रहा मैं तो कुछ बोला ही नहीं मैं तो कुछ आज बोल रहा है तू मैं कब से ही इंतजार कर रही थी अरे चंदा चंदा शर्माती है माँ बेटे देर काहे की कल ही हो जाए हाँ हो जाए मैं भी यही चाहता हूँ कि ज्यादा से जल्द कब्जा हो जाए जरा अपने लिए नहीं तेरे लिए सुमंगली रियम मधुरी मधुरी में दर्शना तुम्हारा आशमसी कुछ तो बोल अरे तू तो ऐसी बैठी है जैसे मुझे जानती नहीं क्या दूसरी दुल्हनों की तरह नकल करके बैठी है मैं तेरे लिए कोई नया हूं मैं तो नहीं कैसे पहले आप मेरे दुख दर्द के साथी थे अब मेरे जीवन साथी हैं ओए मां सुटे सोनिया शादी होते ही तू से आप पर आ गई हां लेकिन था मुझे तू बहुत अच्छा लगता काफी मुफ्त में सोडे दिए तेरे यहां सोडे की बात हाँ। कोई और बात करो ये कोई बात करने का मौका है ये चंदा तो फिर सच सच बता तूने मुझे फांसा कैसे मैंने कहा फांसा तुमने तो रहम खा के मेरा हाथ पकड़ लिया ए। सुहागरात के दिन झूठ नहीं बोलते ऐसे करने से झूठे बच्चे पैदा होते हैं नहीं सुना है सुना है हाँ जी मैंने कहा झूठ कहा है मैंने तो अपने दिल की सच्ची बात कही सच बात से है चंदा मेरे जैसा आदमी जब तेरे सामने आता है ना तो भीगी बिल्ली बन जाता है जब मैं तेरी आंखों में आंखें डालकर देखता हूँ तो मेरी छुट्टी हो जाती है समझ गई आपका क्या मतलब क्या आज ये मीठी मीठी बातें क्यों हो रही है क्यों क्यों हो रही है चुप चंदा ये खूबसूरत चेहरा मेरी किस्मत में था लो मैं कहा कि खूबसूरत अगर तू खूबसूरत नहीं है तो सारी दुनिया बदसूरत है जानती है मुझे तुझे हाथ लगाते हुए फिर डर लगता है
मेरी ना हो जाए। ये देखो मैं कहाँ मैली होगी, मैं तो और खूबसूरत हो गई। चंदा दिए में तेल कम हो रहा है। मैं भी तो इसी के इंतजार में हूँ कि दिया कब बुझे। फूंक मार के बुझा दीजिए ना। सोच रही है जानकी, जो तू सोच रही है वो मैं भी सोच रहा हूं। क्या? मैं ये सोच रहा हूं कि तू ये सोच रही है कि शादी तो हो गई है, मां बनना चाहती है ना? हाँ देख चंदा, ए चंदा बच्चे हो जाए मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बात सीधी सी तू हमेशा मेरी चंदा बन के रहना। हा? वो कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्यों क्यों? बच्चे हो जाएंगे हा? तो फिर प्यार भी बढ़ जाएगा। हाँ तो मेरा क्या होगा? क्यों? हाँ दो मिनट के लिए सोचो, सात दिन काम करने के बाद थका टूटा घर पहुंचा और मेरे दिल ने ये चाहा कि दो मिनट बैठकर तुझसे प्यार भरी बातें करूं, तो पता चला कि ये माशे दीवार बने हुए बीच में बैठे हुए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मारूंगा साले को। मेरे सामने बच्चे को मारेंगे? मारूंगा, ऐसा हैंडल घुमाऊंगा साले की छुट्टी हो जाएगी। हाँ हाँ जरा हैंडल घुमा के बताना तो। क्यों, मैं तो उसका बाप हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। बाप का हक ज्यादा होता है? नहीं नहीं माँ का हक ज्यादा होता है। जरा सिंदूर तो पोछे। सिंदूर पोछा लेकिन बच्चे को उठाओ। देखिए अब जरा किट-पिट मत कीजिए, मैं माँ को बोल दूँ। अरे माँ को बीच में क्यों घसीट रही हो, मामला आपस का है। आप बच्चे को मारेंगे, मैं माँ को नहीं बताऊंगी। ओहो क्या सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो, कल शादी हुई है और आज झगड़ा। देखिए ना माँ जी, ये बच्चे को मारेंगे और मैं आपसे नहीं कहूंगी। लेकिन माँ बच्चे को मारने का कारण है। ये कारण कुछ चंदा मेरा पानी ना। अरे हमको लीडर है जो कि हर बार पहना जा रहा है। अरे राजू घर में लक्ष्मी के पांव रखते हैं, पहले तेरे तो वरे नरे हो गए, क्या बात है राजा? राजी तेरी पुरी ले बड़ी पागा वाली है, सीधा हम तेरे ड्राइवर को मैनेजर बनाता है। क्या मजाक हो रहा है? मजाक कुछ नहीं कर रहे, सोने होते हीरे हो और भांडू मोटर बस का रात और रात ही सौदा हो गया। और नए मालिक ने तुझे मैनेजर बना दिया। ऊपर आओ अंदर जाल के नए मैनेजर का मैं परवाना ले लो। राजी कहाँ जा रहे हो, बैठो इस कुर्सी पर। तो आप है इस कंपनी की नई मालकिन? दादी ने पोते को ट्रक ड्राइवर से मैनेजर बनाने के लिए इतनी बड़ी कंपनी खरीद ली, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो इस चौकट में एक कदम तक न रखता। राजी कब छोड़ेगा अपनी ये हट? अभी छोड़ सकता हूँ, एक पल में छोड़ सकता हूँ। तो फिर छोड़ना। तो फिर चलो ना मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। पगले मैं तेरे ही घर तो रहती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वो तेरा ही घर है। मेरे घर का मतलब है जहाँ मेरी माँ रहती है। वहां मेरा क्या काम है? सवाल है, पोते से इतना प्यार और उसके घर से कोई संबंध नहीं। राजी मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी जहाँ तुम्हारी माँ रहती है। जहाँ मेरी माँ रहती है वही मेरा घर है दादी। अगर अपने पोते को अपनाना चाहती हो तो चलो मेरे माँ के पांव छू और अपने किए की क्षमा मांगो। राजी मैं गली में से गुजरने वाले भिखारी के पांव पकड़ सकती हूँ, मगर अपने पति के कातिल की बेटी के नहीं। तो फिर याद रखो मैं भी उसी कातिल की बेटी का बेटा हूँ जिसे अपनी माँ के सिवा दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं। तुम समझती हो चांदी का जूता मारकर तुम मुझे झुका सकती हो, चंद सिक्कों की भेंट देकर तुम मुझे खरीद सकती हो, ड्राइवर से मैनेजर बनाकर तुम मुझे गुलाम बना सकती हो? नहीं दादी नहीं, अरे ये चीज बिकने वाली नहीं है और ना ही कोई इसे खरीदने वाला आज तक माई का लाल पैदा हुआ। जयराम जी की।
नौकर में है मेरी सारा जमाना, बहारों से पूछो मेरी कहानी, नजारों से पूछो मेरा फसाना, नजारों से पूछो मेरा फसाना, फसाना नौकर में है मेरी सारा जमाना, बहारों से पूछो मेरी कहानी, नजारों से पूछो मेरा फसाना, फसाना ठोकर में है मेरी सारा जमाना। आके बस दो ही तो काम किए, हमने दुनिया में आके बस दो ही तो काम किए, प्यार से तो प्यार निभाई, बदले दुश्मन से खूब लिए, सीखा है हमने जल के जलाना, सीखा है हमने जल के जलाना, जलाना ठोकर में है मेरी सारा जमाना, बहारों से पूछो मेरी कहानी, नजारों से पूछो मेरा फसाना, नजारों से पूछो मेरा फसाना, फसाना ठोकर में है मेरी सारा जमाना, ठोकर में है मेरी सारा जमाना। सबकी सुन ली लेकिन किया वही जो मन में आया, सबकी सुन ली लेकिन किया वही जो मन में आया, फूलों से बचकर निकले और कांटों को गले लगाया, इसीलिए दुनिया ने शहजादा माना, इसीलिए दुनिया ने शहजादा माना, ओ लो लो ठोकर में है मेरी सारा जमाना, बहारों से पूछो मेरी कहानी, नजारों से पूछो मेरा फसाना, नजारों से पूछो मेरा फसाना, फसाना ठोकर में है मेरी सारा जमाना, ठोकर में है मेरी सारा जमाना। क्यों झूठ बोलती है तमीज? ये आज मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे 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 मेरी बात तो सुनो। अरे चलो बंद करो इसे। लेकिन साहब आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सुन ली तेरा हाथ पैर में जान आई नहीं कि भागे लड़कियों के पीछे, जैसे इस देश में औरत की इज्जत ही ना हो। और शहजादे मनु तो कुछ गड़बड़ लगती है, जरूर दाली चिकाला है। साहब मैं ऐसी जमानत दे सकना? कल कोर्ट में करना। इतने नहीं इसे भी अंदर करो। ओ साहब नंदू इस बात का माँ को कुछ नहीं करना। लेकिन अरे चुप ना यार, ले जाओ इसे। हाँ तो वकील साहब क्या जवाब लाए? मैडम ऐसा जिद्दी लड़का तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जब उसे पता चला कि मैं आपकी तरफ से आया हूँ तो उसने मिलने से इनकार कर दिया होगा। जी हाँ, लेकिन किसी ना किसी तरह ये बात तो मैंने उसके कान में डाल दी कि आपने मुझे उसको जेल से छुड़वाने के लिए भेजा है। और उसने कहा होगा कि दादी माँ के महल से तो जेल खाना ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली वकील साहब, उसकी रगों में आखिर हमारा खून है। गवाह हो बोकला, मुद्दे या मुदाहले के बयान सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम पर कुमारी ललिता की आबरूरेजी करने का इल्जाम साबित हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहो तो कहो।
अब मैं तुमको जेर दफा 354 ताजिरात हिंद 2 साल की सजा देता हूं। चंदा बेटी क्या खा रही है? मजे कुछ नहीं, तू तो छिपाती क्यों? दिखाओ ना, दिखा इन्होंने। अच्छा ये बात है बेटी, ऐसी बात राजे से छुपानी चाहिए, मुझसे नहीं। आले राजे, मैं उसे छेड़ूंगी, बाप बनने वाला है, 2 दिन से घर नहीं आया। चाची, और चाची, चाची खत्म हो गया। चाची क्या हुआ बेटे, राजे कहाँ है? राजे, राजी जेल में चाची। कहीं मारा मारी की उसने? नहीं चाची नहीं, उसके ऊपर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है, ये जरूर किसी दुश्मन की चाल है। माँ जी क्या घबरा नहीं बेटी, घबरा नहीं, दुनिया में अंधेर सही, भगवान के हाथों अंधेर नहीं। घर में इतना पैसा भी तो नहीं है, उनको छुड़ाएंगे कैसे? बेटी मैं काम करूँ, राजे के दादी के पास जाऊँ, उनकी सरकार में बहुत चलती है, उनको राजू को छुड़ाई। नहीं चाची नहीं, ऐसा गजब मत करना, राजे को अगर मालूम पड़ गया ना कि उसके दादी ने उसे छुड़ाया है तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, अपना कुछ ना कुछ कर लेगा। अच्छा अच्छा बेटे, थोड़ी देर के लिए तू यही रहा, हम जाकर उसे देख के आएंगे। अच्छा। चल बेटी चल जल्दी चाची। मेरे बेटे, अरे माँ बंद करो ये रोना धोना, तू तो ऐसे बात करी जैसे कि मैं सारी उम्र इस जेल में रहने वाला हूँ। 1-8 महीने की बात है जब ये साबित हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ, बस फिर मेरी माँ और मैं। झूठी तसल्लियाँ दे रहा है मुझे, सजा 1 दिन की हो या 1-8 महीने की, सजा सजा ही होती है। और फिर तेरे बगैर घर में बैठे मेरे जी पे जो गुजरती है वो मैं ही जानती हूँ। और आजकल चंदा घर का कामकाज नहीं करती। क्या कहा? घर का कामकाज नहीं करती? क्यों चंदा की बच्ची, घर का काम काज क्यों नहीं करती? घर का काम काज क्यों नहीं करती? अरे अरे कमाल है, एक तो काम काज नहीं करती, ऊपर से बेचारी हो गई, कोई बात है? अरे मेरे बच्चे क्यों गरीब पर बरसता है, उसके काम काज ना करने का कुछ कारण है? क्या कारण वारण है, निकम्मा होने का भी कोई कारण होता है कुछ? बोल बोल क्या कारण, क्या कारण? ये मां हूं हूं क्या कर रही है मेरे सामने? कैसे बोलेगी, मैं परे हट जाती हूँ। अरे माँ तुम कहाँ जा रही? बोल क्या कारण, तू काम क्यों नहीं करती घर पे? हाँ तेरे क्या हाथ पांव टूट गए हैं? नहीं राजी, हाँ? मेरे हाथ तो अच्छे हैं। हाँ? तो क्या पांव में मोच आई? नहीं। हाँ मेरा ना, हाँ मेरा पांव भारी है। अरे पांव भारी है तो मालिश कराओ, पांव हल्का हो जाएगा। राजी हाँ? वो बात नहीं है। तो क्या बात? दूसरी बात है। क्या? मेरा ना, हाँ? आजकल खट्टे खट्टे डकारे आते हैं। हाँ वो तो आएंगे, तो क्यों इतना खाती है, इतने पहले से हट्टी खट्टी? राजी क्यों नहीं समझते, ये दूसरी बात है। दूसरी बात? हाँ। अरे माँ ये क्या बोल रही है, दूसरी बात है तुझे? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरे बुद्धू तू कब समझेगा, तू तो बाप बनने वाला है। मैं बाप बनने वाला हूँ? और तू दादी? अरे वाह माँ, तू जाना यार। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बड़ी गोलमोल 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 बात कर रही थी। कैसे बताती? हाँ? तुम समझे तब ना। अरे समझूंगा कैसे, पहले ऐसे कभी कुछ थोड़ा हुआ है? हाँ? सुन तू ज्यादा काम मत किया कर, और सुन जैसे माँ बोले ना माँ का कहा माना कर। हाँ? और ए राजी, तुम उदास क्यों हो गए? हाँ? मैं ये सोच रहा था हमारे होने वाला बच्चा क्या किस्मत लेकर आएगा, घर में है बाप जेल में, जब पैदा होगा ना जाने क्या गुल खिलाए। नारा जी ना, आने वाली आत्मा के लिए ऐसा मत सोचो। तुम देख नारा जी, एक दिन हमारा बच्चा हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देगा। हाँ हाँ चंदा, तू माँ का दिल तो जानती है ना, तू उसे तसल्ली दिया कर कि मेरी चिंता ना करे। एक बाजार चंदा बोलू, बड़ी राज की बात है, मुझे छुड़ाने के लिए माँ ने दादी की मदद तो मिली। सोचा तो था लेकिन नंदू भैया ने रोक दिया तुम्हारे डर से। एक बात का और वचन दो चंदा,
मुझे कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में माँ को दादी के पास पहुंचाने देना। अच्छा अच्छा नहीं, अपने सुहाग की कसम खाकर बोलो। मैं कसम खा के कहती हूँ राजी, माँ जी को वहां जाने नहीं दूंगी। चलो चलो। अच्छा तुम लोग जाओ, संतरी आ रहा। चल बेटी, ये लोग ज्यादा बातचीत नहीं करने देंगे। माँ तुम्हें चिंता मत करना, बस ये समझ लो कि अब भी आया मैं। जाओ। अच्छा राजी। मेरे बेटे का ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना राजी। चंदा बेटी, वो देख, वो दूर पहाड़ी पर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है ना, वही जगह है जहां मेरे सुहाग के मालिक रहते हैं। माँ जी, क्या सोचने लगे? चंदा, जब से मैंने वो बुरा स्वप्न देखा है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बेटी तू घर जा, मैं जरा उन्हें देख के आती हूँ। नहीं माँ जी, तुम वहां नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं? अभी अभी तुम्हारे बेटे ने मुझसे सुहाग की सौगंध ली थी कि सौगंध? हाँ, कि कुछ भी हो जाए माँ जी को दादी के वहां मत भेजना। कैसे भागे मेरे पति बीमार हैं, उनको मिलने के लिए बेटे का हुक्म चाहिए, बहू की दया चाहिए। माँ जी ऐसा ना कहो, एक बात कहो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें वहां ना भेजने की सौगंध ली थी ना, मैं वहां चली जाऊँ? नहीं बेटी, मैं ही जाऊंगी। माँ जी, क्या मैं आपकी बहू नहीं? क्या मेरा हक नहीं कि बाबा की सेवा करूं? तू कैसे जाएगी? कैसे भी जाऊंगी, मैं वहां नौकरी कर लूंगी और छुप छुप के बाबा की सेवा भी करूंगी। अगर मेरी सास माँ को पता चल गया कि तू मेरी बहू है तो? कैसे पता चलेगा? मैं वहां ऐसे रहूंगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं कौन हूँ। अच्छा बेटी, वहां जाते हैं उनका समाचार देना। जरूर दूंगी। और देखो तुम ठीक ठीक रहना। हाँ ठीक ठीक रहना, चिंता नहीं करना और रोना नहीं। हा? नहीं अंदर कहाँ घुसी जा रही है? नौकरी मिलेगी? यहाँ नौकरी वोकरी कुछ नहीं, चले जाओ यहाँ से। ए शेर सिंह, क्यों चला रहा है? कौन हो तुम? मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी? हाँ नौकरी मिलेगी, आओ आओ मेरे साथ आओ आओ आओ। मैडम ये लड़की गरीब है, नौकरी के लिए आई है। ठीक है ठीक है। लड़की तुम्हारा नाम क्या है? बिमला। बिमला, तुम्हारा घर वाला क्या काम करता है? जी फौज में सिपाही का काम करता है। सिपाही? हाँ। काम काज दिल लगा कर करोगी? सेवा में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। नेकीराम जी, जी इस लड़की को घर का सारा काम काज समझा दो और साथ ही कब हाँ कहना है और कब ना। नेकीराम जी, हाँ और ना, ये क्या बात है? अरे मुझे 30 वर्ष के घर में काम करते हुए हो गए हैं लेकिन ये नहीं मालूम कि कहाँ हाँ कहना और कहाँ ना कहना। गाड़ी अपने आप ही चली जा रही है, मगर सुनो, मालिकन को जो बात पसंद आए वहाँ हाँ और जो नहीं पसंद आए वहाँ ना। तो क्या यहाँ मालिकन का राज चलता है? राज मालिकन का और गुलामी हमारी है। मालकिन अकेली रहती है? अकेली ही समझो, इकलौता बेटा है, शरीर का रोगी है, अरे 24 घंटे चारपाई पर ऊपर खांसता रहता है।
ये मैंने क्या कह दिया? अरे कहीं दीवारों ने सुन लिया तो। तुम्हारे दीवारों को भी कान होते हैं? अरे कान भी होते हैं और जुबान भी होती है, इसलिए सुन लो कि फूंक फूंक कर कदम धरना। शांति शांति, देखो ये घर की नई नौकरानी है, इसके लिए भर्ती का बंदोबस्त करो और बिल्ले का भी, और घर का सब काम का समझा दो, और जो कुछ मैंने कहा ख्याल रखना, दीवारों के भी कान होते हैं। किरण कहाँ से आ गई? कौन हो तुम? जी, मैं इस घर की नई नौकरानी हूँ। बहुत जल्द तुम्हें इस नौकरी से जवाब मिल जाएगा। वो क्यों? इस घर के रस्म रिवाज से तुम वाकिफ नहीं हो। यहाँ प्यार और नफरत करने के लिए भी मालकिन की इजाजत की जरूरत है। निकाली जाऊंगी तो क्या हुआ, कहीं दूसरी जगह नौकरी कर लूंगी। बाबा आप मेरे लिए चिंता, आप ले जाइए, मैं आपके पांव दबा दूं, आपको आराम की जरूरत है। क्यों गिरती हुई दीवार को सहारा दे रही है? कौन हो तुम बेटी? नेकीराम। मालकिन आ गई, आप आराम कीजिए, मैं कौन हूँ क्या हूँ बाद में बताऊंगे। कितने बजे देनी थी? 9 बजे। तो अब तक दवा क्यों नहीं दी गई? मैं दवा देने गई तो थी, पर वो सो रहे थे, मैंने उन्हें जगाना अच्छा नहीं समझा। अच्छा, तो अच्छे और बुरे की तमीज तुम्हें इतनी जल्दी आ गई, जाओ दवा दो। नाम बताया था तुम्हारा, कमला या बिमला? जी बिमला। हाँ बिमला बिमला बिमला। तुम्हारा पति किसी मिल में काम करता है? जी नहीं, वो तो फौज में है। ओ हाँ, फौज में सिपाही है। ये तुम काम क्यों रही हो? जी नहीं। ये तुम्हारा रंग भी कुछ फीका पड़ गया है। मैं ओ, कौन सा महीना है जी? तो ये बात मुझसे क्यों छुपाई गई जी? देखो ये दिन लड़कियों के आराम के होते हैं, भाग दौड़ के नहीं जी। लेकिन
काम का सिर्फ तो आप नहीं चुराई जा सकते ना। बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना फर्ज समझती हो, मगर होने वाली माँ को आने वाली संतान का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम घर से ज्यादा अपनी देखभाल किया करो, समझी? शायद इनको पता चल गया है मैं कौन हूं। अब मैं क्या करूं? भाग जाऊं? राजलक्ष्मी माता जी का हुक्म है, आप बाहर नहीं जा सकते। मुझे नौकरी नहीं करनी है। आपको मैडम ने याद फरमाया है। मुझे? हाँ मैडम ने। आइए पधारिए। आइए आइए आइए। बेटी चंदा। मुझे क्षमा कर दीजिए दादी माँ, क्षमा कर दीजिए। बेटी चंदा, तुझे अपने ही घर में आने के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तूने मुझे बहुत बड़े पाप का अधिकारी बना दिया। पाप? कैसा पाप दादी माँ? पगली, घर में प्रवेश करते हुए मुझे जिसकी आरती उतारनी थी उसे नौकरानी का काम देना पड़ा, मगर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज इस घर की दीवारों की किस्मत जाग उठी। भला वो घर ही क्या जिसमें बहू के पैरों की पायल की झनकार ना हो। बैठो बहू, बैठो, मेरे पास बैठो। दादी माँ, एक जमाने में मेरा अरमान था कि मेरे पोते का जन्म मेरे घर में हो। वो अरमान तो पूरा ना हो सका, लेकिन अब मेरे पोते की संतान इस घर में पैदा होगी। छोटी बहू बता, इस घर के आंगन में मुन्ना खेलेगा या मुन्नी? जो भगवान को मंजूर होगा दादी माँ। दादी माँ, मैंने तो आपके बारे में कुछ और ही सुन रखा था। यही ना कि मैं बहुत कड़वी हूं, मिठास मेरी जबान पर नहीं, दया से मेरा दिल कोसों दूर है। लेकिन बेटी, एक विधवा को इस दुनिया में चंद असूलों के सहारे रहना पड़ता है। अगर मेरे असूलों को दुनिया वाले संगदिली का नाम दें तो ये उनकी नजरों का हेर फेर है। दूर क्यों जाना, तुम्हारे सुहाग का मालिक, मेरा अपना राजी, मेरा अपना खून मुझे मगरूर और बददिमाग समझता है। दादी माँ, जब आपके दिल में हम सबके लिए इतना प्यार है। कहो कहो बेटी। सासू माँ को भी गले लगा लीजिए ना। चंदा, जिस लड़की का बाप मेरे सुहाग का कातिल है, उस लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकती हूँ? मैं उस जानकी को यहां बुलवाऊं जिसने इस घर में कदम रखते ही इनको मुझसे छीन लिया? चंदा, आज तूने अपनी सास का नाम लेकर मेरे घाव फिर हरे कर दिए। तुझे अगर इस घर में रहना है तो मेरी बनकर रहना होगा, और वो भी इस तरह कि तेरी मर्जी से यहां सुबह हो और तेरी मर्जी से यहां शाम हो। और अगर तेरा ध्यान अपनी सास की तरफ है तो फिर तू भी इस घर की नहीं हो सकती। मैं तुझे 15 मिनट की मोहलत देती हूं, खूब सोच ले, गौर कर ले, तू यहां की है या वहां की। और वचन दो चंदा।
मुझे कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में माँ को दादी के पास पहुंचाने दे। मैं इस दुनिया से जाने से पहले एक बार उन्हें देख लूं। बेटी, तुम्हारे इन उपकारों को बदला चुकाने के लिए न जाने मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे। क्या कहा तुम मेरी बहू? ये बात तुमने मुझसे आज तक छुपा के क्यों रखी? क्षमा करना बाबा, कुछ सोचकर कह न सके। चंदा, जब से तुम इस घर में आई हो मुझ में उठने बैठने की ताकत आ गई है। मुझे छोड़ के मत जाना बेटी। बरसों के बाद मैंने कोई ऐसी आवाज सुनी है जिसमें मुझे अपनापन लगता है। बेटी, अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं बच नहीं सकूंगा। ऐसा ना कहो बाबा, ऐसा ना कहो। बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा, कहीं नहीं जाऊंगी। दादी माँ, मैं आप ही की हूँ। यहाँ से मैं कभी नहीं जाऊंगी दादी माँ। बेटी, नेकीराम। जी मैडम। मंदिरों में पूजा का इंतजाम करवा दिया? जी मैडम। और मैडम, मजदूरों में घी के चिराग जलाने के लिए घी के डब्बे भेज दिए हैं। और गरीबों को कपड़ा और भूखों को अनाज भेज दिया है। वेरी गुड, थैंक यू। शट अप, बार बार। पंडित जी, देखिए बच्चे की पहली आवाज के साथ क्षण और नक्षत्र लिखना ना भूलिएगा। और हाँ, देखिए टाइम अपनी घड़ियों से मत लिखिए, इन घड़ियों से लिखिए। गलत न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सभी हर्षयुक्त हो गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म हुआ। बच्चा बन गया। अरे चाची, रामायण में राम जी ने जन्म लिया और तुम्हारे घर में चांद से पोते ले। क्या कह रहा है? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। मैं गया थी टूर से, वहाँ मुझे समाचार मिला कि चंदा माँ बन गई। अच्छा है, शुक्र है भगवान का। बेटे, ये समाचार राजू को तुम मत देना, मैं खुद जाकर खबर दूंगी। लेकिन चाची, चुप रहने की दक्षिणा पड़ती है। हाँ, जरूर दूंगी दूंगी, जल्दी दीजिए। We'll be right back.
है मामा जी। जी जी आपका दास। कहिए क्या हुक्म है मेरे लिए? देखिए मुझे आपसे एक जरूरी काम आन पड़ा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शिदलता करती हैं गुलाम को। मुझे अपने एक दुश्मन से बदला लेना है। दुश्मन? और आपका? और दुश्मन भी वो जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। कौन है वो कमबख्त? राजी। राजी? लेकिन मैंने तो सुना था कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं, उस पर जान छिड़कती हैं। गलत सुना आपने, राजी ने मेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रखा है और इज्जत के लिए मैं दुनिया की हर चीज निछावर कर सकती हूँ। राजी की लाश देखने के लिए मैं रुपया पानी की तरह बहा सकती हूँ। क्या तुम मेरे रास्ते से ये कांटा हटा सकते हो? मामा जी की सेहत बनाने का नुस्खा लेकर आया हूँ। नेकिया खाइए खाइए। हाँ। आपको तो मालूम ही है कि राजी इस वक्त जेल में है, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि उसे फांसी हो जाए। रानी जी जब मैं उसे जेल भिजवा सकता हूँ तो क्या फांसी नहीं लगवा सकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि आपका दुश्मन मेरा भी तो दुश्मन है। रानी जी मैंने एक ही चाल चलकर उसे जेल भिजवा दिया। अच्छा तो आपने उसे जेल भिजवा दिया? हाँ। मैं नहीं जानती थी कि इस दुनिया में कोई मेरा भी हमदर्द है। नेकीराम। यस मैडम। आज शाम को 4 केस स्कॉच विस्की की इनकियां भिजवा दो। रानी जी अंग्रेजी नहीं देसी, देसी पीता हूँ और देसी पहनता। वेरी गुड। अच्छा ये तो बताइए कि आपने राजी को किस तरकीब से पकड़वाया था? रानी जी अच्छे काम के लिए जरा देर से ही सोचती है, लेकिन बुरे काम के लिए मामा का दिमाग यूं चलता है यूं। मैंने एक खूबसूरत जवान लड़की को किराए पे मंगवाया, उसने चलती सड़क पर खुद ब खुद अपनी चोली फाड़ ली और इज्जत लूटने का इंतजाम राजी पे लगा दिया, बस भिजवा दिया जेल में। वेल डन नेकीराम जी। 5,000 के नोट इनके हाथ में थमा दो। नेकीराम जी 10-10 के नोट दीजिए, 100 का नोट भुनाने में शरीफ आदमी को जरा तकलीफ होगी। दे दो। एक दो तीन चार पांच। नहीं पांच नहीं, चलो ये पांच। और राजी इस वक्त जेल में अपनी जिंदगी की घड़ियां गिन रहा होगा। और आपकी दया से मैं यहाँ नोट गिन रहा हूँ। गिनने की कोई जरूरत नहीं, पूरे हैं। हुजूर इसमें आधा हिस्सा आपका भी तो है। अपना धंधा मत बदलो, तुम्हारा काम रिश्वत लेना है, देना नहीं। हवालदार सर ले जाओ इसे, प्यार से प्यार से। थैंक यू मैडम, आपने पुलिस की बहुत मदद की, धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, आपने मेरी बहुत मदद की। अब जरा जल्दी से मेरे राजी को छुड़वा दीजिए। जी बहुत अच्छा। चंदा माँ जी। चंदा बेटी। माँ जी मेरी बेटी कैसी है? आप कैसे माँ जी? मेरा मुन्ना मेरा राजा, बिल्कुल मेरा राजा है, उसी पे गए हैं मुन्ना। चंदा ये ले मुन्ने के कपड़े। चंदा तू जानती है मैं गरीब दादी हूँ। जी ये क्यों कर रही हो? लेकिन इन कपड़ों को उसे पहनाना जरूर, मेरा दिल खुश हो जाएगा। और फिर अपना ख्याल रखना और मुन्ने का। माँ जी चंदा वो कैसे है? बाबा अच्छे, बहुत अच्छे। चलो दिखाओ। चलो नहीं नहीं कोई देख लेगा, पूछो पूछो। माँ जी मेरे बच्चे को इस घर से निकाले हुए ठीकरों की आशीर्वाद की जरूरत नहीं। दादी उतार देगी चीज। दादी माँ तो तू नहीं उतारेगी? नहीं
नहीं हो सकेगा दादी, मैं नहीं हो सकेगा। ठीक है दादी माँ। बाबा रो क्यों रही हो बेटी? बाबा माँ जी आई थी अपने पोते को देखने आई थी बाबा। जानकी आई थी? हाँ बाबा, कितने चाव से आई थी, बुनने के लिए कपड़े भी लाई थी, लेकिन दादी माँ ने वो कपड़े उड़ा कर कर समझ कर बाहर गए। जानकी 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 पानी पीले। अरे शरबत पिला, कुछ लड्डू वड्डू खिला। दाई के पैसे थे तेरे पास? अच्छा चंदा, कुछ तकलीफ तो? चंदा, अरे चंदा, अरे जरा तो दिखाओ, क्या अंदर शर्मा के बैठी हुई हो? तुम्हारे पति देव आए हैं, तेरे पुत्र के पूज्य पिताजी, जरा जल्दी से आके हमारा स्वागत करो। अरे माँ मुंडे का प्यो आना बेटे। चंदा यहाँ बेटे, गुस्सा मत करना। देख, मैंने ही उसे तेरे पिता की देखभाल के लिए तेरी दादी के यहाँ भेजा है। दादी के घर? अच्छा, मैं वहीं पैदा हुआ। हाँ बेटे। बेटे बेटे, चंदा निर्दोष है, वो निर्दोष है बेटे। डॉक्टर, कैसा है मेरा बच्चा? भगवान के लिए किसी भी जतन से इसे बचा लीजिए, पैसे की कोई परवाह मत कीजिए। एक्सरे की रिपोर्ट से पता चलता है कि मरीज का लेवर बहुत ज्यादा इनलार्ज हो चुका है और आंखें भी पीली हैं। लेवर बायोप्सी से आई सस्पेक्ट ए केस ऑफ हेपेटोमा। जी, इत्तफाक की बात है, इस मर्ज की दवा यहाँ अवेलेबल नहीं। दादी, तो फिर कहाँ मिलेगी? डॉक्टर, मैं दुनिया का कोना कोना छान मारूंगी, मगर अपने बेटे के लिए दवा जरूर मंगवाऊंगी। शायद बर्लन से मिलेगी, अगर दवा आ गई तो हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। नेकीराम, बर्लिन ऑफिस को अर्जेंट कॉल किया जाए। यस मैडम। डॉक्टर साहब, आप दवा का नाम लिख दीजिए। ये लीजिए, स्ट्रेंज। यस सर। छोटी मालकिन, बाहर आपको कोई राजी साहब बुला रहे हैं। राजी, 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 हाँ? अरे तुम इस ट्रक ड्राइवर राजी को बुला रही हो, यहाँ के किसी राजी को बुला रही हो? राजी। अरे राजी राजी कहकर हम गरीबों का मजाक तो ना उड़ाओ। महारानी लग रही हो, इतनी खूबसूरत साड़ी और ये गले का कीमती हार। काश अगर हम ये सब कुछ तुम्हें दे सकते तो तुम वो जान की कुटीर छोड़कर इस महल में कभी ना आती। राजी राजी, भगवान के लिए मुझे गलत मत समझो, जान की कुटीर तुम्हारे लिए स्वर्ग है, जहाँ मैंने तुम्हें पाया। राजी राजी, दरअसल बात ये हुई कि बाबा बहुत बीमार थे और माँ यहाँ आना चाहती थी, लेकिन लेकिन तुमने मुझे सौगंध दी थी ना, इसलिए मैंने माँ को यहाँ नहीं भेजा, खुद चली आई बाबा के पास। चलो, इस बहाने से हाथ हो गई और शायद राज माता के इकलौते बेटे को नई जिंदगी भी मिल गई होगी, है ना? राजी, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, मेरी बात तो समझो। समझ गया, सब कुछ समझ गया। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी चंदा को ये बड़े बड़े महल और ये ऊंची ऊंची दीवारों से प्यार है तो मैं उस चंदा से कभी शादी नहीं करता। राजी, भगवान ने मुझे तुम्हारी पत्नी होने का सौभाग्य दिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है। झूठ है ये सब कुछ, झूठ है। वो चंदा ही नहीं जिससे मेरी शादी हुई है। हाँ, तुम कहती जाओ और मैं सुनती जाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ,
जैसे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे पिता की बहू भी हूँ। और एक बहू होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं उनकी सेवा करूँ और दादी माँ से ये कह सकूँ कि किसी का हक छीनने वालों से भगवान कभी खुश नहीं होते। तुमने सासु माँ को बहुत सताया, अब सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। तो ठीक है, वो पुण्य और सेवा का सहारा लेकर सारी जिंदगी काट देना, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। राजी, राजी, एक बार पापा से तो मिल लो, वो बहुत बीमार है। उनको हमारी उम्र लग जाए। राजी, उनकी हालत बहुत बुरी है। तो उनकी जिंदगी और मौत की तुम्हें बड़ी चिंता है। तुझे ये ख्याल न रहा कि तूने यहाँ आकर मुझे जीते जी मार डाला। राजी, राजी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। छोटी सी इज्जत के लिए हमारे घर के सुख को बर्बाद ना करो, आग मत लगाओ। आग लग चुकी है चंदा, आग लग चुकी है, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। अब तू इस जली हुई खाक पर बैठ बैठ कर चिंगारियां ढूंढते रहना। राजी, राजी, माँ तू यहाँ नहीं। माँ, माँ तूने मेरी सौगंध नहीं। मालकिन, मालकिन, रतन बाबू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। राजी, जाना में। अरे बहुत अच्छी जगह, चलो चलो बैठो। लेकिन उस्ताद, ये गाड़ी का स्टार्टर भी मेरी तरह है, धक्के से चलता है। जाने दो फ्लोर पे, जाने दो। बीपी लो होता जा रहा है, 6 बजे से पहले अगर दवा ना आई तो खतरा बढ़ जाएगा। डॉक्टर, मेरे बर्लिन ऑफिस से खबर आई है कि दवा हवाई जहाज के जरिए रवाना हो चुकी। नेकीराम, किसी जिम्मेदार आदमी को फौरन एयरपोर्ट भेज दो। यस मैडम। Condition is deteriorating. Doctor, start glucose. Yes, sir. Sister. Kaiwa. ये दवा राज लक्ष्मी भवन पहुंचा दीजिए। रतन बाबू की तबीयत बहुत खराब है, ये दवा उन्हीं के लिए। मेरी फिक्र मत कीजिए। लेकिन आप मेरी फिक्र ना कीजिए, प्लीज आप जाइए। चलो खत्म है, चलो शहजादे, चलो चलो। शहजादे, क्या सोच रहे हो? तो फिर जल्दी चलो। हाँ, तो चलना ही पड़ेगा। चलो चलो। नेकीराम जी, अभी तक कार वापस क्यों नहीं आई? जल्दी पता लगाओ। यस मैडम। डॉक्टर, अरेंज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Thank you.
थिंकिंग इंजेक्ट कोरमिन। डॉक्टर साहब देखिए मैडम, अगर दवा 10 मिनट तक नहीं आई तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नानी माँ अब क्या होगा? नानी माँ दवा अभी तक नहीं आई। ये रही दवा। राजी जो आदमी दवा लेकर आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। दादी माँ जब हमें पता चला कि ये दवा हमारे पूज्य पिताजी के लिए है तो हमने भी सोचा कि हम भी दुश्मनों के दरवाजे तक खो आए। राजी ये दवा डॉक्टर को जल्दी दे दो। माँ डॉक्टर से दवा ली जाती है, डॉक्टर को दवा दी नहीं जाती। बेटे ये तेरे पिता की जिंदगी और मौत का सवाल है, ये समय पिछली बातें याद करने का नहीं। माँ भूले हुए जख्मों का पता इस वक्त याद नहीं आएगा तो कब याद आएगा? ये क्या कहते हो जी? हाँ जिस पिता ने तुम्हें दुनिया का उजाला दिखाया उसी से बदला लेना चाहते हो क्या? चंदा राजी अगर उनको कुछ हो गया तो मैं भी उनके साथ ही मर जाऊंगी। माँ सती तो तू कल भी थी आज भी है और सदा रहेगी। जो जीते जी बिरहा की आग में जलती रही उससे बढ़कर सती की मिसाल और क्या हो सकती है? एक बात और सुन ले माँ, जो जिंदगी भर दूसरों के साथ खेलते रहे आखिरी वक्त पर मौत उनके साथ खेलती है। राजी! तुझे जन्म देते समय मेरी कोख जल क्यों नहीं गई? तू मेरा बेटा है कि दुश्मन? ले ले अपने ही हाथों से मेरा मंगलसूत्र तोड़ डाल, अपने ही हाथों से मेरी मांग का सिंदूर फोड़ डाल। राजी एक माँ है जो रो रो कर अपने बेटे से अपने सुहाग की भीख मांग रही है, एक बीवी है जो बिलक बिलक कर अपने ससुर के प्राणों के लिए झोली फैला रही है, लेकिन इस बीमार आदमी को जिस पत्थर की मूर्ति ने जन्म दिया है वो अब तक गरूर का चोला पहने हुए तमाशा देख रही है। राजी जिसे तू पत्थर समझता है उसके दिल में ममता का लावा फूट रहा है। मेरी दुनिया में रतन के सिवा रखा ही क्या है? चुप तो मैं इसलिए हूं कि जब तू अपनी माँ और अपनी पत्नी की हाहाकार नहीं सुन सकता तो मेरी बिनती क्या सुनेगा? दादी हम सिर्फ इस इंतजार में थे कि तुम हमसे अपने बेटे के प्राणों की भीख मांगो। तो ले मैं तेरे सामने अपनी झोली फैलाए देती हूँ और अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। दे दे ये दवा मुझे। नहीं दादी नहीं, ये दवा भीख में नहीं दी जाएगी, इस दवा की कीमत चाहिए मुझे। कीमत? कीमत? बाप के प्राणों का सौदा कर रहा है नालायक बदतमीज, दुखा है तेरे जन्म पे। तो बोल राजी बोल तुझे क्या कीमत चाहिए? दादी अगर हम रकम के भूखे होते तो आज सड़कों की धूल ना उड़ाते फिरते, कब का तुमने हमें खरीद लिया होता और कब के हम बिक गए होते। तो फिर क्या चाहिए तुझे? दादी माँ आज पहली बार तुम्हारे इन पत्थर की आंखों में नमी देख रहा हूं। डर रही हो ना? अगर 2-4 मिनट तुम्हारे बेटे को दवा ना मिली तो तुम्हारे इस चमकती हुई दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। आज पहली बार तुम्हें मालूम हुआ कि जिस तरह एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प सकती है उसी तरह एक बेटा भी अपनी माँ के लिए तड़प सकता है। अगर तू अपने बेटे की जिंदगी चाहती है तो मेरी माँ के कदमों में गिर के उसकी कीमत चुकानी होगी। जब तक तुम्हारे इस गरूर का माथा मेरी माँ के सामने नहीं झुकेगा तुम्हारे बेटे की जिंदगी मेरी मुट्ठी में रहेगी। सोच लो तुम्हारे बेटे की जिंदगी छलांगे लगाती हुई मौत की तरफ दौड़ रही। क्षमा करो मैडम। डॉक्टर लीजिए इंजेक्शन और लगा दीजिए। आप किसी दवा की जरूरत नहीं। क्या हुआ दादी?
मैडम राजी ने यह दवा यहाँ से पहले चोरी से अंदर भिजवा दी थी। रतन बाबू खतरे से खाली, अब वो हर एक को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। राजी, राजी। चलो बहू, छोटी बहू तुम भी चलो। रतन देख लो कौन आया है। रतन, देख मैं तेरी जानकी को लेकर आई हूँ। देख देख मेरी बहू तेरे सामने खड़ी है। जानकी। ये देखो तुम्हारी बहू चंदा, इस खानदान की बिखरी हुई माला को एक धागे में पिरोने वाली। चंदा बेटी, ये है तेरा बहादुर बेटा राजेश, जिसने मेरे अभिमान को तोड़ा और मुझे प्यार का रास्ता दिखाया। ये ना होता तो मैं तुझे कहां से पाती। ए, चल अपने पिता के चरण छू। हाँ, ये मेरा हुक्म है। दादी, ओ दादी माँ, अब तो हम पिता के चरण भी छुएंगे और तुम्हारे चरण भी धो धो के पिएंगे। चल। बेटे, अब तो तू भी इन्हें पिता के कहकर पुकार ले। पिताजी, बेटा मुझे, पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बेटा। देखिए राम। जी। मालिक कहाँ है? जी बाप। मालिक तो आप हैं। इडियट। जी। आज से मालिक हम नहीं, हमारे बेटे के बेटे का बेटा है। ए जी। आ क्या है? कहाँ ले जा रहे हो? ना ड्राइव के, ड्राइव समझ। नहीं समझ, बदमाश के तू भी क्या याद करेगी। चल ट्रक की सैर कराता हूँ, चल चल तू। सचमुच शहजादा है, इतना सब कुछ पाने के बाद भी अपने पुराने साथियों के नहीं। तेरे अथरू निचुल्ला मैं, तेरे अथरू चुल्लवा मैं, तेरे होठानू हासे दवा मैं। छोड़ दे जवानी में उदासी गोरिये, अरे छोड़ दे जवानी में उदासी गोरिये।